मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक है, मज़े में हैं। आज मैं बहुत ही मज़ेदार आपसे गुफ्तगू करने वाली हूँ प्रोग्राम के शुरू में, और आप मुझसे क्या कहते हैं, मुत्तफिक होंगे। हाँ, आप मुझसे मुत्तफिक होंगे। भाई देखें, आप रोज़ाना, हम इंसान अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कुछ कोई कह देता है और उसके बाद आप गुजर जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, मुलाकात हुई थी, शक्ल देखी देखी लगती है, आप नेक्स्ट टाइम मिलें तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, छाप छोड़ देते हैं अपनी अपनी बातों की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है ऐसे लोग थोड़े यूनिक होते हैं, जो आपको याद रह जाते हैं, आपको उनकी बात याद रह जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप देखें, कोई आप अलग अलग खाने खाते हैं रोज़ाना, कब घर का खाना तो खाते ही खाते हैं, आपको अपने घर के खाने का जायके से आप इम्यून है, आपको पता है कैसा है। लेकिन कभी आप बाहर खाते हैं, कभी कैंटीन में खा लिया, कभी कोई दोस्त लेकर आया है अपना लंच बॉक्स, कभी रेस्टोरेंट में खा लिया, लेकिन आपको जायका जो दिल को छूता है वो एक मुनफरद अलग जायका होता है। चाहे वो किसी और दोस्त के टिफिन से ही क्यों ना, यार भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, यार तुम्हारी अम्मी बड़ा अच्छा खाना, क्या भिंडी बनाई है, मैंने ऐसी भिंडी आज तक नहीं खाई। सो वो भी चीज़ अगर मज़ेदार होती है और आपको मुनफरद लगती है, आपको उसका जायका छूता है, सो आपको याद रह जाती है। तो जो भी चीज़ किसी भी शोबे में, फॉर एग्जाम्पल जैसे गाने, इतने सारे आते हैं, इतने सारे रिलीजेस होते हैं गानों के, कोई गाना ऐसा होता है जो आपके दिमाग और दिल पे और जुबान पे सवार हो जाता है, आप हर वक्त वही गुनगुना रहे हो, आप हैरान होते हैं ये मैं कि कब तक मैं क्यों गाना गुनगुना रही हूँ या क्यों गुनगुना रहा हूँ। बाथरूम में भी वही गुनगुना रहे हैं, कपड़े इस्त्री करते हुए भी और दूसरे काम करते हुए भी आपके मुंह पे वो गाना सवार रहता है। या तो उसकी कॉम्पोजिशन आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर आपको उसके लिरिक्स इतने दिल को छू जाते हैं कि आपको याद रहते हैं वो। ऐसे ही आपका कोई फेवरेट जोड़ा होता है आपकी अलमारी में, आपकी फेवरेट शर्ट होती है जो आप मौका ढूंढते हैं कि बार 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 वही पहन लें, उसकी रीज़न या तो उसकी फिटिंग होगी जो आपको बहुत भाती है, या कपड़े का मटेरियल होगा, या वो ब्रीदेबल होगा, या वो कोई भी ऐसी क्वालिटी उसकी होगी कि वो सब पर भारी हो जाता है, कि नए जूते नए कपड़े भी जो होते हैं उनके उनसे भी आप उसका कंपैरिजन करते हैं कि यार एक हफ्ते में एक दफ़ा तो वो पहनना ही पहनना है। इसी तरह आपके पाँव के जूते भी होते हैं, मतलब लाइक ये वाला जो जूता है ना, मैंने जो अभी पहना है, मेरा बस नहीं चलता मैं ये रोज़ पहन के आ जाऊँ, हालांकि बहुत सिंपल सा है, लेकिन जिसका कम अब दिखा, अब तुम दिखा ना देना, बस सिंपल है बिल्कुल, देखे ना एक न्यूड कलर है। एक तो चक्कर ये है कि ये सब कपड़ों के साथ चल जाता है, दूसरा चक्कर ये है कि इसको पहन के मैं भाग सकती हूँ, मैंने तोड़ दिया इतना पहना प्रमोशंस में, फिल्म की प्रमोशंस में, इस मॉल उस मॉल इधर उधर जाना, तो मैंने कहा हील पहननी है तो यही पहन लेती, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, और इसकी वजह से मतलब मुझे मौका मिले तो मैं इसे रोज़ पहन सकती हूँ। तो इसीलिए चाहे वो चप्पल हो, कपड़े हों, खाना हो, लोग हों, बातें हों, कोई जगह हो, कोई ड्रामा या फिल्म हो, अगर आपके दिल को भाती है, अगर अच्छी लगती है, वो अपनी जगह खुद बनाती है। अब अगर मैं ड्रामा और फिल्मों की बातें करूँ, बहुत सारी पुरानी फिल्में ऐसी हैं जो आप देख चुके हैं, लेकिन आप जब भी बोर हो रहे होते हैं आपको दोबारा रिपीट करने का दिल चाहता है उसी फिल्म का जो आपकी फेवरेट है ना। या फिर ड्रामा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मेरे हमसफ़र एक ऐसा ड्रामा है जिसको मैं जब देखती हूँ, या दास्तान या दाम, इस तरह के कुछ ऐसे ड्रामे हैं, मैं जब देखती हूँ ना मुझे मज़ा आता है। कभी कभार ऐसा होता है ना इंटरनेट पे उसके क्लिप्स भी वायरल हुए तो मैं रुक जाती हूँ, मैं देखती हूँ, हालांकि वो सीन मैंने देखे हुए होते हैं, मगर जब भी वो सीन आते हैं मुझे इतने अच्छे लगते हैं उसके डायलॉग्स। बहुत सारे ड्रामे ऐसे, सो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्टर्स से मिलवा रही हूँ जो अपना, वो कहते हैं ना कि अपना मार्क छोड़ देते हैं। अच्छा, जब भी कोई शोबिज में आता है वो दिल में ये ख्वाहिश लेके आता है, मैंने तो हीरोइन बनना है, मैंने तो हीरो बनना है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए हीरो हीरोइन बनना ज़रूरी नहीं, अपनी जगह बनाने के लिए अच्छी एक्टिंग करना ज़रूरी है। अच्छा, इस तरह मैं कहती हूँ कि लाइक लुक्स और उन बाकी सारी चीज़ों से मैटर करता है आपका काम, आप किस कैरेक्टर में किस तरह अपने आप को ढालते हैं, आप किस कैरेक्टर के साथ किस तरह इंसाफ करते हैं, लोग आपकी एक्टिंग से आपको मानने लगे। बहुत सारे एक्टर्स आप आजकल देख रहे होंगे, नए चेहरे ऐसे हैं, लेकिन हर कोई वो मार्क नहीं छोड़ता जिन एक्टर्स को आज मैंने अपने शो पे बुलाया है, और
मजबूर होके बुलाया है अपने दिल के हाथों के। मैं इनकी फैन हो गई जब मैंने इनकी एक्टिंग देखी, इनका काम देखा, तो मैंने कहा कि यार मेरा होमवर्क एक्चुअली अपने शो का अगर मैं पूछूँ ना, लोग कहते हैं, ट्रोल करते हैं मुझे, मेरी सर्च नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई रोज शो पे बैठती हूँ, कभी गबल्ला हो सकता है, कभी मुंह से कुछ भी निकल सकता है, इंटरमिटेंट को इंटरमीडिएट भी कह सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रोलिंग करने लोग बहुत आगे आगे आ जाते हैं, पर मैं इम्यून हूँ, मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, सॉरी, चाहे आप कुछ भी कर ले। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप ड्रामे देख रहे होते हैं, आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में जो एक्टर एक्टिंग करते हैं वो नज़र आते हैं और आप उनको याद रखते हैं, ओ वाओ पिछले ड्रामे में तो ये इन्होंने ये बने थे, कितनी डिफरेंट एक्टिंग थी, इस ड्रामे में तो ये है, अल्लाह कितने डिफरेंट। फिर मैं ना शक्लें जोड़ती हूँ और मैं हैरान होती हूँ कि ये लोग कैसे इतने वर्सटाइल हो सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे नया लॉट जो है, नए एक्टर्स, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज तीन ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे पास मौजूद होंगी जो आपके दिल पर राज करना शुरू हो गई हैं अपने काम के ज़रिए, और हम आज उनको बुला के उनके बारे में पूछेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और ये जो टैलेंट है उनके अंदर कैसे आया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो आपके ऊपर अपना इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं आपकी पहली परफॉर्मेंस के थ्रू ही। लेकिन अभी जिस एक्टर को मैं बुला रही हूँ, उन्होंने डिफरेंट ड्रामों में परफॉर्म किया और बिल्कुल अपनी अलग अलग परफॉर्मेंसेस अलग अलग जगहों पे दिखाई और आप खुद हैरान हो जाते कि ये वही एक्टर है जो फलाने ड्रामे में था, ये वही एक्टर है जो इस ड्रामे में था। सो आई थिंक सो कि अभी नए जितने भी लॉट के एक्टर्स आए हैं उसमें मुझे इनके अंदर आमिर खान वाली झलक नज़र आ गई है। आइए इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और फिर इनको अपने शो पे बुलाती हूँ। हमने बनाया है इनके लिए एक पैकेज, देखिए जी। ड्रामा सीरियल अहद वफा में मखसूस तर्ज की अदाकारी करके डेब्यू करने वाले और अपनी खास पहचान बनाने वाले इन अदाकार की आज बहुत से ड्रामाज में मांग है। आपने अपने पहले ही ड्रामा से लाखों लोगों को अपना मद्दाह बनाया। इनके दीगर हिट ड्रामाज में इश्केला और ARY पे चलने वाला सुपर हिट ड्रामा फ्रॉड शामिल है। आपकी अदाकारी की बिना पर आपको बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सो आइए मेरे शो पे पहली दफा आपकी मैं मुलाकात कराती हूँ अदनान समद खान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज आपको लोगों ने रियल उस पे भी देख लिया लाइव जी, बिल्कुल। प्लीज बैठ, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई डोंट थिंक सो आपने कोई कभी इंटरव्यू कहीं दिया, सोशल मीडिया पे शायद दिया होगा, लेकिन किसी चैनल पे मैंने आपको इंटरव्यू देते नहीं देखा। नहीं, बहुत कम, बहुत कम है ना। तो मैंने कहा भाई, क्योंकि मैंने आपका काम देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपके बारे में बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि ये एकदम अदनान कहाँ से आ गए, ये एक्टिंग करते हुए हमें कैसे नजर आ गए, क्या एक्टिंग पढ़ी है, या लाइक किस तरह आपका आमद हुई इस फील्ड में? एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। और मैं तकरीबन 6th क्लास में था जिसे मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बिकम एन एक्टर। ओहो, घर वालों को जाके ये बताया, क्योंकि वो तो कहते नहीं डॉक्टर, इंजीनियर और फलां 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 बनना है, है ना? वो तकरीबन एजुकेशन वाले सारे टाइम में यही होता रहा कि हाँ। नहीं 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 नहीं, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। हाँ। इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने जिद लगा ली थी कि अब मैं सिर्फ अदाकारी करूंगा। हाँ। और इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नैपा ज्वाइन किया। मुझे शक था कि ये बच्चा वहीं का निकला हुआ है, मुझे शक। आपकी एक्टिंग देख के ना, एक एक नापा के जो होते हैं पढ़े हुए एक्टर्स, उनका कहीं ना कहीं होता है कि ये समझ के एक्टिंग कर रहे हैं, इनको लाइक बताया गया है किधर पॉज लेना, और वो समझदारी वाली चीज नजर आती है ऑन स्क्रीन। सो नापा में इंटर के बाद आप नापा में आपने कितने अरसे तक लाइक नापा में 3 साल मैंने किया था। 3 साल के सो इंटर के बाद आप नापा ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? आप 10th क्लास के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर लाजमी है। ओके, और वहाँ 3 साल का आपने किया। सो वहाँ पे तो होता है ना, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और बाकी सारी चीज़ों से भी वाकिफ करवाते हैं, फिर वहाँ आप स्पेशलाइज किस चीज़ में करना है तो आप जान पाते, लेकिन आप सोच के गए थे कि मेरी स्पेशलाइजेशन भी एक्टिंग में है, मतलब आई हैड एन ऑप्शन कि स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन, मैंने एक्टिंग ही चूज किया था, मैंने एक्टिंग ही की थी 3 साल। कोई और घर में एक्टर
किसी और से इंस्पिरेशन ली फैमिली वगैरह में कहीं या नहीं? नहीं, मैं स्कूल में भी यही करता रहता था। अच्छा, मतलब लाइक पढ़ाई से ज्यादा उसमें ड्रामे और थिएटर ये वो सारा स्कूल में? स्कूल में भी ये करता रहता था। अच्छा, शौक इसी चीज का था और काम और कोई आता ही नहीं है मुझे, क्या कराची में पढ़े हैं आप या लाहौर में पढ़े कहाँ? नहीं, मैं वही, मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो वही मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ से। सो मुश्किल नहीं हुई जैसे लाइक नेपा में पढ़ने के बाद थोड़ी सी आसानियाँ हो गई अपने लिए कैरेक्टर्स चूज करने के लिए या मौका पाने के लिए स्क्रीन पे आने के लिए? आसानियाँ मतलब वो कहा जाता है कि इस काम को आप जितना सीखते जाते हैं उतना मुश्किल होता जाता है। तो नेपा में आने के बाद फिर हम बहुत ज्यादा मतलब चूजी भी हो जाते हैं कि ये काम नहीं करना है भाई, ये काम तो नहीं करूंगा, ये काम तो नहीं करूंगा। तो वो फिर मतलब वो चीज भी होती है। लेकिन फिर आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे अहदे वफा का मिल जाना स्ट्रोक ऑफ लक था मेरे लिए। तो पहला था आपका? बिल्कुल पहला था। और फिर आपने जाके ऑडिशंस दिए थे उसके लिए? जी, किसको दिया? ऑडिशन टेप भेजा था मैंने। अच्छा, ऑडिशन टेप भेजा था। क्योंकि उसके जो राइटर थे मुस्तफा अफरीदी साहब, उनको चाहिए था एक नेटिव सराई की स्पीकर। अच्छा। तो बहुत बजट थे उस कैरेक्टर के लिए, उनको ऑडिशन में कोई पसंद नहीं आ रहा था। एंड जब मैंने ऑडिशन टेप भेजा तो उन्होंने कहा बस इस लड़के को बुला लीजिए। तो वहां से आपका जिस करियर का सिलसिला है वो शुरू। जी बिल्कुल। आपको कोई इतनी जूतियां नहीं घिसनी पड़ी, होता है ना मतलब ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं घिसनी पड़ी, है ना? और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे हिस्से का जो स्ट्रगल था मेरे दोस्त ने किया। जिस दोस्त ने मुझे कनेक्ट किया था मुस्तफा अफरीदी साहब से और उस प्ले के लिए, मैं कहता हूं उसने किया मेरा स्ट्रगल। ओह माय गॉड, कभी-कभार कोई होता है ऐसा जो एक ब्रिज का काम करता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में। सो कितने सिब्लिंग्स हैं और कोई और इंटरेस्टेड हुआ आपको देखने के बाद एक्टिंग में आने के? मेरे दो भाई हैं। अच्छा। और एक छोटी बहन है हमारी। अच्छा, और दो भाई का कोई मतलब सोचना भी नहीं है इस फील्ड के? क्योंकि मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। छोटी एक बहन है। अच्छा, वो दोनों अपना मतलब तो मुश्किल तो नहीं फील्ड में आने के लिए? मुश्किल एज सच नहीं थी, फैमिली का सपोर्ट था। कुछ प्रॉब्लम्स और अब तो बच्चा कमाऊ भी हो गया है, है ना, कमा के दे रहा है तो अम्मा अब्बा को और क्या चाहिए, खुश हो गए अम्मा अब्बा। ठीक है, अब अम्मा इज वेरी प्राउड। अच्छा। और अब्बा मतलब 16 में उनका इंतकाल हो गया था तो couldn't see। मैं नेपा में था। अच्छा। अब्बा ने मुझे इजाजत दी थी अदाकारी करने की। चलो, नेपा में था जी। अच्छा, घर में कोई क्रिटिक है आपका के आपका भाई? अच्छा, वो मेरा सीन देख के मुझे बोलता है कि कीड़े निकालते हैं। बिल्कुल निकालता है, वो कहते हैं भाई क्यों कर रहे हो इतनी ज्यादा करने की कोशिश, क्यों कर रहे हो? वो बहुत ज्यादा बताते हैं मुझे। अच्छा, तो क्या लाइक होता है ना कहीं शौक किसी एक्टर को देख के बन जाता है, एक्टर बनने का, किसी कोई प्रोजेक्ट कोई फिल्म को देख के बन जाता है। आपको किस कैसे हुआ शौक, क्या देखी थी ऐसी कोई फिल्म कोई ड्रामा कोई एक्टर के मैं भी एक्टर बनूंगा? बचपन में टीवी बहुत ज्यादा देखता था और मतलब फिर मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता था। तो आई गॉट प्रीटी गुड एट दैट। उसके बाद फिर मतलब यही था कि भाई यही कर लूंगा मैं, हाँ आसान काम है मैं कर लूंगा कर। बाद में पता चला कितना मुश्किल है। कोई आपको लाइक पाकिस्तान में एज एन ड्रामा की फील्ड में कोई आपको लगता है पसंद है आपको बहुत? मुझे लाइक मेरे जामोयदीन साहब मेरे इंस्पिरेशन हैं, मेरे टीचर हैं राहत काजमी साहब और उसके अलावा आबिद अली साहब, ओ माशाल्लाह माय फेवरेट, और उनके अलावा शबीर जान साहब, ओए होए सारे कंटे के एक्टरों के नाम आपने डाले। आवाज पे आपका जो कंट्रोल है, आप जिस तरह आवाज की, मैं इसलिए ये बात कर सकती हूँ कि मैं डायरेक्टर की बीवी भी हूँ और बेटी भी हूँ, सो शायद हर होस्ट को ये चीज़ नहीं पता, लेकिन आवाज़ पे आपको बहुत उबूर हासिल है। एक उसका ग्राफ है जो मैं बड़े गौर से आपकी एक्टिंग देख रही थी, तो आप बहुत अच्छा मैनेज करते हैं कि आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे लेके, वो किससे सीखा आपने आर्ट? खालिद अहमद साहब से। किस तरह से आवाज को थ्रो मैनेज करना ना जरूरी है एक्टर के लिए, आवाज कब ऊपर लेके जानी है कब नीचे बेस होनी है, ये भी सुरों की तरह है ना, कुछ होते ना बेस हो रहे एक्टर, अच्छी एक्टिंग कर लेगा बेस हो रहे हैं उनको आवाज का ही नहीं पता। मुझे लगता है जिसको शौक है उसको नेपा जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लर्न करते हैं क्योंकि थिएटर जो होता है ट्रेनिंग ग्राउंड होता है एक्टर के लिए। हाँ। आप वहाँ से ट्रेन होंगे तो उसके बाद फिर चीजें आपको समझ में आएंगी कि जो काम आप करना चाह रहे हैं। हाँ। उसके आपको बेसिक्स तो पता होना ये भी आपने करना क्या है। वही तो जैसे होता है ना, जब आप किसी पत्थर को तराशते हैं सो तो उसकी खूबसूरती नजर आती है, तो वहाँ पे तराशा जाता है। बिल्कुल। और लेकिन एक्टर इनबॉर्न होता है,
ऐसा नहीं होता कि बुरे एक्टर को नेपा अच्छा एक्टर बना दे। वो अक्सर हमें वहाँ कहा जाता था कि अदाकारी सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है। तो ये आप में है कि आप कितनी सीख लेते हैं उनसे? क्योंकि बहुत सारे अभी भी एक्टर हैं, आपस की बात है, चल रहे हैं बस, चला रहे हैं, अच्छे शक्ल सूरत अच्छी है, बॉडी शॉडी बना लिए, बस चल रहे हैं, निकाल दी पूरी जिंदगी एक्टिंग में। वो मतलब वो ऐसा है ना, अच्छा चलो वो नहीं आ रहा तो चलो उसको बुला लो। ये है ना, आप मानते हैं ना मेरी बात? लोग भी मानते होंगे। Neither agree nor disagree. अभी आपने बहुत आगे जाना है। डिप्लोमेटिकली मैंने तो एक्टिंग करनी नहीं है, मैं तो बोल सकती हूँ। अच्छा, आपको क्या लगा इस इंडस्ट्री की कोई एक अच्छी बात और एक कोई एक बुरी बात, अगर मैं आपसे पूछती हूँ एज न्यू कमर? अच्छी बात ये है कि जिन लोगों से मेरा ताल्लुक आज तक हुआ है, ठीक है, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे लोग, आपको ग्रो करने में मदद देते हैं, आपकी गलतियाँ भी सुधारते हैं, आपको वो भी करते हैं, सिखाते भी, ठीक है। तो जिन लोगों से मेरा ताल्लुक पड़ा है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में। और बुरी बात ये है कि पंक्चुअलिटी नहीं है, हाय ठीक है, थोड़ा सा सीन है। ये लाइव शो सही है, हाँ ये लाइव ड्रामे होने चाहिए। लाइव है भाई, लाइव जाएंगे। अच्छा, मतलब लाइक अगर ये कहूँ मैं कि आपको लगता है कि फ्यूचर है एक्टिंग में, अगर यंगस्टर्स इस वक्त मुझे कोई भी देखते हैं और जिनका दिल है आपकी तरह जैसे आपका था क्लास सिक्स से, सो क्या आप उनको कहेंगे कि हाँ भाई आ जाओ उसको प्रोफेशन बना लो अपना, या वो जो पैसे अम्मा अब्बा के लगाएंगे इधर उधर किराए में भी वो भी चले जाएंगे? भाई अगर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है तो आ जाइए। पेशेंस अगर आपके अंदर है, बर्दाश्त अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बर्दाश्त बहुत जरूरी है। क्या बर्दाश्त किया आप? टॉलरेंस एवरीथिंग, मतलब पंक्चुअलिटी नहीं है आपके, प्रोफेशनलिज्म नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। ये जिस तरह से हमारे टीचर्स हमें बताया करते थे कि एक अदाकार को इस तरह होना चाहिए, मतलब अगर 7 बजे मुझे बुलाया गया है तो मैं 7 बजे तैयार होता हूँ, क्योंकि आपकी आपको पढ़ाया यही है। और काम अगर 10 बजे शुरू हो रहा है तो फिर वो उसके लिए पेशेंस चाहिए, या तो पेशेंस चाहिए या एक किताब चाहिए, 3 घंटे आप एक किताब पढ़ लें। गुड आंसर, हाँ किताब वाला अच्छा आइडिया। वैसे मोबाइल ऑलवेज कैरी अ बुक विद मी, हर वक्त मेरे बैग में होती है, अभी भी मेरे पास होगी। वैसे क्या इंटर तक आपने क्या सब्जेक्ट लिया था? मैथ्स। मैथ्स, ओ ओ ओ, तो चेक वेक की कैलकुलेशन सही रखते हैं आप? आराम से, बहुत आराम। कुछ बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत बना लिया लड़के ने? हाँ कोशिश कर रहा हूँ। खर्चा उठा लेगा अपनी शादी का खुद? शादी बहुत मतलब बहुत दूर की बात है, अभी कब तक बन जाएगा? अपना कर लूंगा, अपना। आजकल लड़की लड़के को भी बड़ी बनानी होती है। अपना कर लेंगे, अपना कर लूंगा। हाँ, और बाकी जो घर में और अफराद है उनका क्या होगा? वो भी अपना अपना करेंगे। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस। अच्छा, आप एक होता है ना कि इंसान की एक एक मिशन होता है कि जब मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ये ख्वाहिश पूरी करनी है, तो वो पहली ख्वाहिश क्या है अदनान के दिल में? मुझे कुछ ज्यादा मतलब मैं दरवेश सिर्फ आदमी हूँ, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी, गाड़ी घर ये मेरा बस ये होता है, मुझे एक रिंग्स पहनने का शौक है पत्थर, और उसके अलावा मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है। रिंग्स पत्थर वाली? जी, मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा लाजमी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। ये कहाँ से पढ़ाकू एक्टर आ गया? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं जो अंगूठियां और पत्थर, ये मेरे लिए ये मुबारक है? मुझे सिर्फ पसंद, ऐसे ही पसंद, ऐसे ही पसंद, स्टोन्स अच्छे लगते हैं। वैसे सही है, आजकल अगर कोई चोर वोर आए और अच्छे स्टोन्स पहने हो तो एक मुक्का लगाए। नहीं लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए भारत। सो नहीं, लेकिन फिर भी एक चाहत तो होती है ना बंदे की कि मैं सेटल जब हो जाऊंगा सो मैंने फलानी जगह घर लेना है, ये एक आम सोच तो होती, दरवेश भी है अगर चलो भाई मैं एक फ्लैट ही ले लूंगा, स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद लूंगा। मेरा आइडियल जो घर है जिस तरह से कहा जा सकता है आइडियल, वो ये है कि छोटा सा घर, कॉटेज लकड़ी का, उसके पीछे एक वाइनरी, आराम से बैठ के कराची में बनाऊंगा, जब यहाँ से थक जाऊंगा बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो फिर वहाँ जाके खुद को रिचार्ज करूंगा मैं, फिर वापस आऊंगा। अच्छा, ये अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको न्यू कमर्स, मेरे पास मेरे लिए न्यू कमर्स इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास शो पे पहली दफ़ा आ रहे हैं और आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में देख रहे हैं एक्टिंग करते हुए, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए ना ज़रा कुछ नयापन शो पे, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये जो नया टैलेंट है, और वो कहते हैं ना कि भरपूर टैलेंट है इनके अंदर,
इनको इनके बारे में जानने के लिए. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, मिलते हैं न्यू का मस्ते. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और जनाब आपकी मुलाकात अदनान से हुई, अदनान के बारे में अभी हम थ्रू आउट द प्रोग्राम और जानेंगे बातें. मैं अब जिस एक्टर को अभी बुला रही हूँ उनको मैंने देखा अभी, आप जिस ड्रामे को बड़े शौक से देख रहे हैं, बड़ी रेटिंग आ रही है, प्यार दीवानगी, वहाँ आप इनका काम सराह रहे हैं और एकदम आप ये परेशान हो रही है, ये किधर से आया, हाँ ये कौन है. सो ये मैं आपको बताने के लिए आज उनको अपने शो पे बुला रही हूँ. आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं उनका पैकेज. थिएटर की दुनिया से अपने करियर का आगाज करने वाले हमारे आज के ये मेहमान सुपरहिट ड्रामा सीरियल में बेहतरीन अदाकारी करते हुए देखे जा रहे हैं. आप बेहतरीन मॉडल की हैसियत से भी जाने जाते हैं. आपने अपने करियर के आगाज से ही अपनी काबिलियत की धाक लोगों के जहनों पर बिठा दी. आपका ARY पर चलने वाला सुपरहिट ड्रामा प्यार दीवानगी है खूब दाद समेटता हुआ देखा जा सकता है. आइए वेलकम करते हैं शुजा असद को. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र. प्लीज आइए बैठे इधर इधर जहाँ आपके. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है. हम लोगों ने तो भाई अभी ड्रामे में तो आपको उस गेटअप में देखा जिसमें आपकी बियर्ड वगैरह सब लंबे बाल लंबी दाढ़ी, जी जी अभी डिफरेंट लग रहे. जी 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 जी. तो अभी किसी और ड्रामे का गेटअप है ये? जी ये किसी और ड्रामे. असल में कैसे आप? असल में कैसे होते हैं? असल में ऐसे ही था. अच्छा. बट आबिद सर ने डिसाइड किया था कि वो जो जो कैरेक्टर था ऑडियंस से थोड़ा रिलेटेबल बनाने के लिए उसके बाल लंबे दाढ़ी बड़ी. उसमें छोटे छोटे भी लग रहे हैं ना उसमें कैरेक्टर में, थोड़ा मैच्योर लुक देने के लिए. जी जी जी, थोड़ा मैच्योर लुक देने के लिए. हाँ. So, कहाँ से आया शुजा, कैसे उसको मतलब लाइक नीलम के साथ ऑपोजिट कैरेक्टर मिल गया? आई थिंक ये रिसेंटली 2 सालों में. सो कमर्शियल से शुरुआत की मैंने. अच्छा, सबसे पहले कमर्शियल किया? सबसे पहले कमर्शियल. तो कमर्शियल के ऑडिशन के लिए किसके पास गए थे? होते ना अलग अलग कंपनीज हैं, सिट्रस है, अलग अलग. जी सिट्रस के पास गया था मैं. सिट्रस से बड़े एक्टर निकलते हैं, एक नापा से निकलते हैं, एक सिट्रस से निकलते हैं. तो सिट्रस के पास गया एंड देन उन्होंने कमर्शियल्स देना स्टार्ट किए. अच्छा. और फिर एक दिन मुझे कॉल आई बिग बैंग से. उन्होंने कहा कि फहद मुस्तफा ने आपको रेकमेंड किया है. ओहो. उन्होंने आपका एक कमर्शियल देखा है. हाँ. और वो आपको बुला रहे हैं. कौन सी ब्रांड था? फोन वाला था या क्या? फोन वाला था. अच्छा, फोन वाले. मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं? नहीं. तो वो था एंड उसके बाद मुझे उन्होंने वहाँ पे बुलाया, फहद सर से डायरेक्ट मेरी बात हुई. अच्छा. तो एक बड़ा ही यू नो ऐसा लगता है ड्रीम्स में होता है मोस्टली, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में इतना. तो वहाँ से शुरुआत हुई. उन्होंने कहा कि ये ड्रामा है. हाँ. और उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने कहा ये आप कर रहे हैं. अच्छा. आपने करना है ये ड्रामा. ओहो. मैंने कहा ओके सर ठीक है. मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ठीक है सर डन करें. सो या फिर वहाँ से फिर आबिद सर से मुलाकात हुई. अच्छा. उन्होंने गेटअप बनाया कि शुजा तुम दाढ़ी बढ़ाओ थोड़ी सी. कमर्शियल में आप बगैर दाढ़ी? मोस्टली. तभी आपको किसी ने एकदम नहीं पहचाना कि ये लड़का कहाँ से आया? जी नहीं, मुझे इतना नहीं पहचाना. मतलब मैं क्या समझ रही थी, वो कमली का जो लड़का है उसकी भी दाढ़ी थी. तो एकदम जब झलक आई ना मैंने कहा ये दोनों एक है. फिर जब मैंने कमली देखी, फिर मैंने ड्रामा देखा, मैं यानी ये दोनों अलग है, सिर्फ दाढ़ी एक है. ऐसे ही बहुत डिफरेंस फील होता. हाँ हाँ. विद द बियर्ड. तो एकदम झलक आ रही थी जब प्रोमो में, और तो मुझे लगा ओ दोनों में एक ही एक्टर. मैं ये कंफ्यूज हुई थी. जी जी जी. अच्छा. सो जो कमर्शियल में आप आए उस वक्त आपका इरादा था इस फील्ड में आने का, या आपको जॉब नौकरी बैंक वैंक में थे? नहीं. लगते ना बैंक करिए. वो गेटअप वैसे ना, ये भी गेटअप करके आया हूं मैं. नहीं, फैमिली बिजनेस में था. अच्छा. और फिर वहां से काफी ऑब्वियसली शौक तो हर किसी को ही होता है बचपन. हाँ, में. हाँ, कि कभी एक्टर बनूंगा. इनको छठी जमात से था. हाँ, मैं. तो आपको छठी से भी पहले से? छठी से भी पहले से ही था. ओहो. तो उसके बाद आई वाज लाइक यू नो कभी एक्टिंग में ट्राई करूं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई. पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी? जी जी, पढ़ाई कर ली थी. ए लेवल्स हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ पूरा. जी. तो पढ़ाई में नहीं बात. डंडे नहीं पड़े अब्बू अम्मी से, कंप्लीट करो. जी जी. बट उसके बाद उन्होंने हार मान ली. उनका बेटा तुम अब फैमिली बिजनेस में आ जाओ, पढ़ाई तुम्हारे काम की नहीं. सो फैमिली बिजनेस मेरा क्या था? बिजनेस वाटर प्लांट का. तो फिर एक दिन मैं निकला हुआ था मार्केटिंग पे. हाँ. सो मैंने उस दिन रियलाइज किया कि यू नो मैं जरा एक्टिंग में एक चांस मारूं, एक जरा मैं ऑडिशन सीरियस. हाँ. देखा. तो फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया. फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इन 2 years जो है ना. अच्छा, आपके एट के जो आपके दोस्त भी होते हैं ना वो भी चढ़ाते हैं यार ये तस्वीर बड़ी अच्छी आती है यार, ट्राई करो यार, बड़ा अच्छा करता है तू, एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है, तू तो हीरो है, तू तो हीरो के लिए. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है. दोस्तों ने चढ़ाया कुछ? दोस्तों ने बहुत मोटिवेट किया, हिम्मत
बड़ी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दोस्तों ने ही इतनी मोटिवेशन दी, बिकॉज मम्मा भी मेरी बहुत बहुत ही, वाज लाइक कि तुम यू नो काम करो, बिजनेस पे फोकस रखो, बट दोस्तों ने बहुत कहा कि एक्टिंग पे अपना करो, एक लाख जरूर ट्राई करो. आज आप लोगों के सामने, आज हमारे सामने, नाइस नाइस. तो आपकी भी फैमिली में या कोई कोई बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं. और आपके कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग तीन तीन और हैं, सबसे बड़ा भाई है, फिर दो बहनें और फिर मैं सबसे छोटा. ओके ओके. तो वो बहनें शौक से देख रही हैं? बहुत शौक से, घर वाले बहुत खुश हैं. बड़ा वो होता है ना, आपकी भी छोटी बहन छोटी बहन है, वो बहुत शौक से देखती है. अजीब सी बात है कि उनसे ज्यादा मैं ज्यादा खुश एक्साइटेड होता हूँ कि यार मेरा एपिसोड आने वाला है, मैं जरा बैठ के देखूंगा कैसी कैसी एक्टिंग की. पता क्या एक मजे की चीज होती है, बहनों की दोस्तें जो है ना वो फेस टाइम कर, तुम्हारा भाई है ये, अच्छा भाई, वही दैट्स एक्चुअली ट्रू. हां दैट्स एक्चुअली ट्रू. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. वो तो हमें हाय कह दो, हाय कह दो, शुजा तुम्हारे बारे में ये पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे, ऐसा ही वो चीज है जी. तो थोड़ा खानदान में या इधर उधर दोस्तों वोस्तों में स्पेशल अटेंशन मिलना शुरू हो गई? अब शुरू हो गई है जी, अब शुरू हो गई. थोड़ा पहचान, पहले तो होता था ना कुछ भी नहीं कर रहा, फारिग है, बस फैमिली बिजनेस में अपना कुछ, और फौरन लूजर बना देते हैं ना, लूजर बना देते हैं. किसी को पता नहीं कि आप किस चीज की अर्ज कर रहे हो और आप वहाँ एक्सेल करना चाहते हैं. 100% ऐसा ही. सो वो अब जो है वो लूजर हीरो बन गया. छोड़ो, अब माँ खुश है. अंदर से तो बचपन से हीरो था, क्या नहीं, मैं तो हीरो हूँ. रिलेटिव्स में तो आपको पता है ना, वो होता है कि क्या कर रहा है लड़का, क्या कोई काम काज कर रहा है, अपना कुछ कर रहा है, नहीं बस फैमिली बिजनेस में. बट अब पूछते हैं वो ग्रेड्स आते ना, तो वो अम्मी या फैमिली वाले फेसबुक और इंस्टा पे लगाते मेरे बच्चों के ग्रेड्स आए, तो वो खानदान में जरा नाम हो जाता है. अब आपके ड्रामे के क्लिप्स लगते होंगे, अब ड्रामे के क्लिप्स लगते हैं, क्योंकि ग्रेड्स तो कभी अच्छे आते नहीं थे, तो वो मम्मा किसी को पता नहीं पाती. अरमान पूरा किया, क्लिप दिखा रही है कि देखो बेटा जो है ना एक्टिंग में आ गया, देखो उसका नया प्रोजेक्ट आया. तो आगे आपने करियर बनाना है? डेफिनेटली सोचा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल. इसके अलावा मैं अपने लिए कोई और ऑप्शन नहीं रखता. और ख्वाब क्या है? जैसे इन्होंने लकड़ी का घर बनाना है पहाड़ के ऊपर, इनका ये दरवेश आदमी, इनका ये ख्वाब है, बहुत सारी अंगूठियां पत्थरों वाली पे. आपने क्या कहा? ख्वाब ये कि एक अच्छा नाम बना सकूं, अच्छा काम कर सकूं, सिर्फ हीरो हीरो ना बन सकूं, अच्छे कैरेक्टर्स कर सकूं. तो ये है. अब देखो जैसे इन्होंने तो 3 साल नापा में पढ़ाई की है, सो आप तो सिट्रस से इधर पहुंच गए. नहीं मैं आपको बताता हूं. अच्छा हुआ ये था कि मैंने जब थिएटर के लिए कोर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने कोर्स किया था, बट बाय द टाइम हमारा प्ले आने लगा, तो ये कोविड से पहले पहले की बात है, कोविड आ गया था तो हमारा प्ले नहीं हो सका. फिर मैंने ऑनलाइन यूडीमी से अपना ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स किया, पूरा उसको खत्म किया. फिर आपको ईमेल आती है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने एक्टिंग का हमारे कोर्स किया. फिर वहाँ से जो है ना एड्स आना शुरू हुए, तो एक दोस्त था उसने कहा यार कोई एक्टर नहीं आ रहा आजकल, तुम जरा ट्राई करोगे? तो दिस वाज बिफोर सिट्रस. ओके ओके. तो उन्होंने जब देखा, सिट्रस ने देखा कोई कमर्शियल में एक लड़का आया, देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कि आप आ जाएं हमारे पास. अच्छा जी. अच्छा. उस तरह से हुआ, फिर सिट्रस ने मुझे कहा. तो आपको है कि मैं इस तरह शॉर्ट कोर्सेज एक्टिंग के ये सब चीजें? मेरा है, मेरा अभी भी बहुत इरादा है कि जी जी आगे जाके मुझे जब मौका मिले तो इसमें डिग्री जरूर हासिल करूं आगे जाके. डेफिनेटली जब मुझे मौका मिले. अच्छा अब जैसे मैंने अदनान से भी पूछा था कि इंडस्ट्री की कोई एक अच्छी बात और एक कोई बुरी बात, अभी तक कितना अर्सा हो गया जैसे आपको इंडस्ट्री में आए? मुझे 2 साल हो गए. 2 साल. उसमें अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या एक बहुत अच्छी बात लगी और क्या एक बात थोड़ी सी गड़बड़ लगी? अच्छी बात, आई फील लाइक अब जाके कॉन्टेंट अच्छा बनने लगा है, मुझे ऐसा फील होता है. और बुरी बात ये कि जिस तरीके से मैं आया हूँ अभी, ये बहुत कम होता है. हाँ. इस तरह से नहीं होता है, किसी का कमर्शियल देखा, उसको बुलाया, डायरेक्ट लीड रोल दे दिया. हाँ. वो लोगों को, हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. वो कह रही हूँ ना, जूते घिसने पड़ते हैं जी, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा. हम लोग की क्योंकि कोई यू नो फैमिली में से कोई नहीं है, दोस्तों में से कोई नहीं था, तो हम लोग को बहुत ज्यादा, तो ये एक बुरी भी नहीं बोलूंगा मैं, बस एक थोड़ी सा मुश्किल है. लेकिन आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, आपका इंस्टा है, अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप अपने इंस्टा के थ्रू ही लाइक पिक कर लिए जाते हैं. अच्छा ये आई फील ये थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. आई फील हर कोई टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर नहीं होता. अच्छा. हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोज लगाऊँ, अच्छी पोस्ट लगाऊँ. आई फील लाइक आई डोंट नो अगर आप मुझसे रिलेट कर सके इस बात में. हम लोग को होता है कि यार हमें अच्छा काम बस ये करना है कि डायरेक्ट हम ड्रामे में आके अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके या किसी मूवी में आ सके. सो वो जो लोग सोचते हैं कि अच्छा हम टिकटॉकर बन जाएंगे तो हम ड्रामा एक्टर भी बन जाएंगे, उनको हमें थोड़ा सा समझाना चाहिए कि
टिकटॉकर को शायद इतनी डिग्निटी उस तरह जिस तरह लाइक और एक न्यू कमर को मिलती है जो पढ़कर आया नापा से या कहीं और से उतनी नहीं मिलती। जी, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बात में। आई फील है कि अच्छी बात है कि वो बनाते हुए सोच रहे होते हैं कि हमें यू नो हमें ड्रामा में आना है। इट्स अ गुड थिंग, वो उसको एज अ पॉजिटिविटी आप ले सकते हैं अपने। बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी एक्टिंग पे जरूर मेहनत करें। हाँ. सिर्फ टिकटॉक वगैरह नहीं, आई फील लाइक हम सबको एज एक्टर्स सिर्फ लुक्स नहीं एक्टिंग पे काम होना मेहनत ज्यादा, करना भी ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत और लाइक जब आप आ भी जाएं आपको लकी हैं आपको मौका भी मिल जाए बिल्कुल सो भी आप सीखते जाओ बिल्कुल 100% ऐसे बिल्कुल 100% सो एक होती ना चाह होती है बंदे के दिल में कि यार ये कैरेक्टर मुझे मिल जाए। तो अगर मैं आप दोनों से पूछती हूँ कि आने के बाद ही अभी तो इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ लेकिन एक चाह है दिल में वो ख्वाब आपको किसी और चीज का नहीं है ये है कि मुझे ये इस तरह का कैरेक्टर मिले तो क्या है वो कैरेक्टर अदनान? मुझे जरदारी साहब की बायोपिक में आसिफ अली जरदारी प्ले करना। ओह क्या बात है बनाए भाई आइडिया भी मिल गया। और आपको क्या लगता है आपके आपका क्या ख्वाब है? I feel like शोएब अख्तर सर की जो है ना एक बायोपिक अगर बने तो I would really either that या फिर एक बड़ी क्रिकेट का शौक है आपको? थोड़ा बहुत इतना नहीं लेकिन उनकी पर्सनालिटी से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। either that या फिर एक यू नो मेन स्ट्रीम हीरो वाली फिल्म जो वो हीरो एक्शन जैसे अभी फाद सर की आ रही है अंदर से वो फिल्मी वाला तो आता ही है ना। इंडी फिल्म भी करते रहे आर्ट को भी फॉलो करे बट एक जरा मेन स्ट्रीम हीरो वाली फिल्म भी। अच्छा मैंने ये नोट किया है फहद के पास जो भी नया एक्टर आता है ना वो अपनी इंस्पिरेशन ये बनाता है कि मैंने फहद मुस्तफा बड़े होकर मैं फहद मुस्तफा बनूंगा। डेफिनेटली और ये शायद आफरीदी बनूंगा वो वाली फिल्म आई थी ना जी बड़े होकर मैं फहद मुस्तफा बनूंगा ये वाकई सच है। हाँ जैसे फहद एक और एक्टर थे ना कौन से वो जो फहद है उनका नाम हाय कहां फहद शेख हाँ उसको भी बड़े होकर फहद मुस्तफा बनना है उनको भी। So, वो वाली चीज है ये एक आइडियलाइज करते हैं बंदा। अच्छा होता है ना कि एक ख्वाहिश होती है कि मैं अगर मेन लीड में आऊँ तो मेरे आगे ना ये हीरोइन होनी चाहिए। सबकी अपनी ख्वाहिश होती है अदनान कौन सी हीरोइन की ऑपोजिट? मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है सबा का ओ ही वाज माय फेवरेट और उनके साथ काम किया है। और काम पे टांगे तो नहीं हो रही थी उनके सामने? नहीं वो इतनी भी नाइस हैं इतनी नाइस हैं तो वो मतलब बिल्कुल भी मतलब मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था और मैंने खुद को बताया था मैं नॉन यू वर्किंग विद द डीवा तो मतलब आराम से खैर हो गई हाँ. तो लेकिन जिस वक्त वो आई हैं और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बात की अच्छे तरीके से सीन दिया हाँ. मैं बस फैन हो गया था उसी कॉम्प्लीमेंट मिला उनकी तरफ से आपको। मतलब आप एक ये देखते हैं कि पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेस टॉप फाइव में ऑब्वियसली बहुत बिल्कुल नो डाउट वो आ रही हैं उनसे मेरी पहली मुलाकात है और वो आगे खुद को इंट्रोड्यूस करा रही हैं तो मतलब वो आगे मुझे पहले उन्होंने बोला सबा As if I didn't knew her. ठीक है वो मुझे इंट्रोड्यूस करा रही हैं तो आप इंसान के दिल में रिस्पेक्ट आती है और फिर वो मुझे कह रही हैं कि मैंने आपका काम देखा मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है तो मतलब घंटियां बजने लग गई ठंडी हवाएं चलने लग गई। और सुजा आपको किसी को देख के घंटियां मचती हैं इस फील्ड में कौन सी हीरोइन आपके ऑपोजिट आए? वैसे तुम सबको ही देख के बचती है जैसे ये कौन लड़का है सबको देख के घंटियां बज रही है कोई भी आ जाए क्या मतलब घंटियां बज रही है नहीं बट आई फील लाइक हरीम फारूक शी इज आई फील वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है और दिखने में भी माशाल्लाह शी इज वेरी गुड लुकिंग सो आपको उनके ऑपोजिट शौक है? हां आई वुड लव टू बिकॉज़ मैंने उनकी फिल्म जब आई थी एक फिल्म आई थी उनकी मैंने सिनेमा में जाके देखी थी और ये है कि किस डायरेक्टर के अंडर काम करने का शौक है? होता है ना कि लाइक कोई एक डायरेक्टर भी इतने सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आजकल जादू बना मतलब लाइक एक ड्रामे को जादूगर की तरह निकाल के ले आते हैं और लोगों के दिलों पे राज करते हैं। कोई डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की है और उनके साथ अल्लाह ने मौका दे भी दिया काम करने का आसिम रजा के साथ कमर्शियल में जी ओ, तो मेरा पहला एक ब्रांड का कमर्शियल था वो आसिम सर के साथ था ओ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त और इंसान भी बहुत अच्छे हैं और अब तो मेंटोर बन गए मेरे तो बिल्कुल हां ही इज अ रियली गुड फ्रेंड टू। और आप बताएं खुसर साहब सनबत खुसर हाँ हाँ कमली वाले
अभी तो जाहिर है कमली वाले ही कहेंगे कमली वाले पर ना हम सफर वाले भी हैं, शहरजाद वाले भी हैं और बहुत सारे मंटो वाले भी हैं, मंटो वाले भी हैं एग्जैक्टली भाई क्या काम अगर आर्ट वाला काम हो ना तो कमर्शियल काम भी मेरे हम सफर कर चुके हम सफर मेरे हम सफर तो अभी चल रहे अभी चल रहा है वो तो कासिम अली बुटीक का है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और वो यार मतलब लाइक जब वो कहते हैं ना वजूद जन से है कौन से कायनात में रंग कायनात में रंग हाँ कौन सी कायनात में रंग वजूद जन से है कायनात में रंग सो एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी एक्ट्रेस मैं मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देख रही हूँ उनसे आपको मिलवाती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात शुजा और अदनान से तो हो चुकी है लेकिन अब मैं जिस एक्ट्रेस को बुला रही हूँ उनकी एक्टिंग से आप इस तरह वाकिफ हैं कि आपने उनकी एक्टिंग एदे वफा और अभी आप उनकी एक्टिंग फ्रॉड में देख रहे हैं और अभी तो आने वाले हैं वो एपिसोड्स जिसमें वो सही तौर पर आपको परफॉर्मेंस करके दिखा पाएंगी। उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, आइए एक पैकेज के थ्रू हम दिखाते हैं। ड्रामा सीरियल अहद वफा और मैं ख्वाब बुनती हूँ में अदाकारी करके अपनी शनाख्त बनाने वाली ये अदाकारा आज बहुत से ड्रामाज में देखी जा सकती हैं। आप मॉडलिंग करते हुए भी देखी जा चुकी हैं। आपके दीगर ड्रामाज में भूख और दासी जैसे नाम शामिल हैं, जबकि अभी इन्हें सुपरहिट ड्रामा फ्रॉड में बेहतरीन अदाकारी करते हुए भी देखा जा सकता है। आइए बुलाते हैं अपने शो पे नईमा बट को और उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रगल। मैं तो हैरान रह गई ना अभी अदनान और शुजा में अभी नईमा से जरा ब्रेक पे जाके मैंने कहा नईमा ये क्या पढ़ मैंने कहा है ये तो क्या क्या पढ़ पढ़ के आई है फिर इसने मुझसे जिस एक्सेंट से बात की तो मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई। आपको नहीं पता लगता कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी पिटारियां खोलते हैं अलग अलग ड्रामों में अपने परफॉर्मेंसेस से आपको एकदम हैरान कर देते हैं और नईमा कुछ ऐसा ही करने वाली है अभी। सो नईमा कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में आए एक्टिंग और टीवी दोनों एक्टिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर 15 इयर्स नाउ 15-16 अच्छा लाइक थिएटर वगैरह आप सबको इंक्लूड करके बताएं जी जी बिल्कुल और टीवी पे 2019 में मैंने पहला ड्रामा किया था और उसके बाद फिर कोविड थोड़ा सा और ऊंचा बोलो नईमा हमारे माइक बहुत सेल्वी के क्या माइक 2019 में पहला ड्रामा किया था मैंने लेकिन फिर कोविड की वजह से ब्रेक आ गई तो फिर आफ्टर 2 इयर्स नाउ आई एम डूइंग सो इट्स बीन 3 इयर्स तो नईमा ने जो वो 15 साल एक्टिंग के तुम कह रही हो वो कहाँ की एक्टिंग वो स्ट्रीट्स पे की अमेरिका में की पाकिस्तान में की गांव में जाके की विलेजेस सिटीज एवरीवेयर बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रीट थिएटर से अच्छा बहुत अर्से पहले पंजाब लोक रहस के साथ हम पंजाबी सराइकी के प्लेस करते थे सच्ची कहानियों में जाके स्ट्रीट पे और लोगों को इकट्ठा करके क्या अभी तो फुल तुम्हारा अंग्रेजी मीडियम एक्सेंट है तुम सराइकी में करती थी थिएटर हाँ सराइकी में कुछ प्लेस किए थे हमने बारिश शाह के और पंजाबी में तो बहुत मैंने थिएटर किए हैं फुल पंजाबी आती है तुम्हें फुल पंजाबी एक स्क्रिप्ट मिल जाए तो मैं याद कर लेती हूँ यानी तुम्हें लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है आई मीन यस आई कैन डू इट आई एम अ मेथड एक्टर सो उसमें ये चीज़ है कि आपको कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है उसकी लैंग्वेज उसका गेटअप वो रहता कैसे है वो बोलता कैसे चलता कैसे सब कुछ भाई ये लोग तो बचपन से ही कहते थे हमें टीवी पे आना है ना हमें बड़े होकर टीवी एक्टर बनना है तो तुमने क्या बचपन से सोचा था कि मैं थिएटर एक्ट्रेस बनूंगी या मैं स्ट्रीट एक्ट्रेस स्ट्रीट थिएटर करूंगी नो मुझे बस ये पता है कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत शौक था अच्छा तो बचपन में फोर्थ ग्रेड और थर्ड ग्रेड में मैंने ड्रामा किया था स्टेज पर स्कूल में अच्छा सो आई वन बेस्ट एक्टर अवार्ड गोल्डीलॉक्स एंड थ्री मामा बियर्स आई वाज द गोल्डीलॉक्स अच्छा सो एंड देन आई जस्ट रियलाइज्ड कि एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी बन सकते हैं हां इट्स वेरी एंटरटेनिंग यू नो एक्साइटिंग हां एंड आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड ऑफ लाइफ सो दैट इज व्हाई आई थिंक आई चूज एक्टिंग एज अ लाइफस्टाइल एंड एज अ करियर नाउ तो थिएटर की तरफ ही क्यों गई टीवी की तरफ क्यों नहीं आई उस वक्त बहुत अच्छा सवाल है हाँ क्योंकि टीवी मेरी अम्मा डॉक्टर हैं और मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है सो माय मॉम सेड देखो पाकिस्तान में थिएटर तो कोई देखता नहीं है तो वो कर लो ओहो तो तुम टीवी मत कर
थिएटर के पीछे मैं स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका तक चली गई, बट उन्होंने कहा थिएटर करती रहो, अपने शौक पूरा कर लो, मगर एक डॉक्टर की बेटी एक्ट्रेस नहीं बन सकती, ये वाली चीज। जी बिल्कुल, इसीलिए टीवी भी मैंने लेट स्टार्ट किया जब तक उनकी परमिशन नहीं मिल गई मुझे। अम्मी को पटाया है तुमने इतने सालों तक, यानी तुम 13 साल तक अम्मी को पटाती रही? 13 साल में पटी है वो? सोचो शादी के लिए कितना पटाना पड़ेगा उसके लिए, इतने साल नहीं देना है ना। She gave in. She was like, अच्छा तुम ये जो रिश्ते आ रहे हैं उनसे कर तो रही नहीं हो शादी, तो चलो फिर तुम कर लो जो करना है। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए बेटी की चाह के आगे। अब तुम्हारी एक्टिंग देखती है जब वो अपने क्लिनिक से फ्री होती है? She is the best critique. Like, अब वो ऐसी ऐसी ये कैसे बाल बनाए हुए थे, ये क्या किया हुआ था, अब वो ऐसी ऐसी बातें मुझे करती हैं, एंड आई एम लाइक आप क्यों, वो तो पसंद ही नहीं था मैं एक्ट करूं, और अब आप इतने गौर से क्यों देख रही हैं, मत देखा करें। बोलती नहीं हूं, पहले नहीं मान सकती थी आप। हाँ कभी कभी मैं बोलती हूँ, बट ऑनेस्टली जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, जो फियर्स हैं हमारी माओ के, वो आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो। लेकिन अगर मैं आपकी अम्मी को अभी बताना चाहूंगी, मेरे इस सोफे पे जो भी नई लड़कियां आती हैं, किसी ने लॉ पढ़ा होता है, मैं इतनी इंप्रेस होती हूँ, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आई हुई है कोई, मतलब लाइक इतने पढ़े लिखे लोग अब ये अडॉप्ट कर रहे हैं इस प्रोफेशन को, सो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स डायरेक्टर थे, सो वो मुझे इस फील्ड में इसलिए लाए कि उनको भी यही प्रॉब्लम होती थी, उनको अच्छे घर की लड़कियाँ चाहिए थी ड्रामे की एक्टिंग के लिए, और बहुत सारे लोग अपने दिल में दबा लेते थे ये ख्वाहिशात। वही वाली बात कि हमारी सोसाइटी, मेरे अम्मा अब्बा ने ये प्रूव किया कि जब हम अपनी औलाद को ला सकते हैं तो ये फील्ड बुरी नहीं है, लोग अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं। आई नो, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जैसी बच्चियाँ, अच्छे पढ़े लिखे घरों की बच्चियाँ, लड़के तो आ जाते थे इतना उनको नहीं टेंशन बेयर करनी पड़ती थी, लड़कियों के लिए हमेशा से रही है प्रॉब्लम। और आई एम ग्लैड आप देख सकते हैं कि आप इस सोफे पे कभी आप बच्ची जो है वो कहीं से पढ़ कर आई है, कभी कहीं से आई है, अम्मा अब्बा को मना मनू के आ गए जी, और वो स्क्रीन पर नज़र आती है, वो सारा फैमिली बैकग्राउंड वो सब नज़र आता है आपके। बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हकीकत में, ऑल दो आप कहीं जाओगे तो शायद पिक्चर लेने आ जाएं जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, बट मुझे लगता है अंदर कहीं ना कहीं अभी भी सोच है ये ख़ानदान की, अच्छा एक्टर है पिक्चर ले ली मगर एक्टर है यार, यू नो बदल गई है मेरी इस सोफे पे लड़कियों के रिश्ते आ जाते हैं, तुम्हें नहीं पता यमुना के 2-3 दफा रिश्ते आ चुके हैं, यहाँ आई थी इंटरव्यू के लिए। हाँ बता रही हूँ, चेंज हुई है थोड़ा कुछ माइंडसेट, बिल्कुल बिल्कुल पहले की होगी, लेकिन अभी भी काफी हद तक मुझे लगता है कि आई थिंक 70% इज स्टिल सेम, 30% हैज चेंज्ड व्हिच इज ग्रेट। ये और बात है डॉक्टर्स के ज्यादा रिश्ते आते हैं, वो एक रिस्पेक्ट एलिमेंट फॉर टीचर्स, फॉर लेक्चरर्स, फॉर डॉक्टर्स, फॉर लाइक MBA, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर लड़कियों को देख रही होती हूँ, इतनी टैलेंटेड कोई लड़कियाँ होती हैं, अलग अलग ओहदों पे फायज हैं, और तो मैं तो हैरान होती हूँ कि चेंज हो रहा है, और होगा थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारे तुम लोगों के बच्चे बच्चे होंगे तब तक काफ़ी चेंज हो जाएगा। सो अच्छा, तो आगे क्या फ्यूचर प्लान है नाइमा? आई हैव न्यूयॉर्क में मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी भी खोल ली, स्टार्टअप, इट्स अ स्टार्टअप। अच्छा स्टार्टअप, या सो जिसमें हमने अभी 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। अच्छा, और मैंने सुना है तुम्हें मेरी जुबार के साथ भी वेब सीरीज की वहां पे न्यूयॉर्क में, आई डिड वेब सीरीज विद हर, ग्रेट एक्सपीरियंस, आई लव हर, यस। और अभी तुमने अंजुम शहजाद के साथ क्या काम किया तुम मुझे बता रही थी? अंजुम शहजाद के साथ रांगड़ी जुबान में एक, जरा बोल के तो बताओ ना कुछ, कुछ तो बोलो, बोलो आज की सुबह का मौसम। हाँ इस तरह बोलो कुछ, आज का, आज की सुबह मौसम थोड़ा बेहतर है, हालांकि है नहीं, लाइटें बहुत जा रही हैं, इस तरह कुछ बोलो जरा, लाइटें बहुत जा रही, मैं कुछ और ही बोल देती हूँ। कुछ भी बोलो, कुछ लाइन बोल देती हूँ, अरे थारी में मैं अपना आप देखो शानो, और मैं अपने बाप के बारे में कभी ना सोचूं, आए हाय बस क्यों बोला, मारे से तो कोई बात ही ना हुई, फिर इस किस्म की है, दे दो जवाब, वाह शानो थर के बात ये है ना, ग्रेट, मतलब वाह, जहाँ अंग्रेजी एक्सेंट चाहिए वहाँ वो निकाल लेती है हैं, और जहाँ ये वाला इसको क्या कहते हैं, इस रांगड़ी, रांगड़ी जबान। अब इसमें काफ़ी मेहनत की है कि ये हरियाणवी एक जुबान है उसका, या रांगड़ी के इसके बीच में कुछ है, अच्छा मिक्सचर टाइप है। अच्छा, क्योंकि कुछ
सिंध में पाए जाते हैं, पंजाब में भी लोग हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में भी. सो बट इट्स अ वेरी गुड स्टोरी और बहुत बहुत मेरा मुझे लगता है कि शानो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मैं. और अभी कब रिलीज हो रहा है तुम्हारा ड्रामा? इट्स गोइंग टू बी वेरी सून, जब ग्रीन चैनल आएगा. सॉरी. अच्छा कि हाँ, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं. डिलीट कर दो, डिलीट. नहीं नहीं, बहुत ये बहुत खुशी की खबर है कि नए नए चैनल्स आ रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं. और आपके नहीं पता, हमें पता है. हमारे लिए और काम निकल रहा है शायद, मतलब लाइक तनख्वाह बढ़ाने का मौका. जब भी कोई नया चैनल खुलता है ज़ाहिर मॉर्निंग शो भी. सो वाली बात. अच्छा, आपके सामने ये संदूक रखे हुए हैं और इन संदूक में आपकी वो मेमोरीज हैं जिनको हम कभी कभार, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पुरानी मेमोरीज हैं वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई ढकेत आ जाए, कोई डाकू आ जाए, मोबाइल निकालो, बूटियाँ दे दो, ये वो. ये ऐसी मेमोरीज हैं जो आपका खजाना हो, आपसे कोई नहीं छीन सकता. सो आइए तो आपके खजानों की तरफ चलते हैं. चलो नईमा, तुमसे ही पहला शुरू करते हैं. पहला खजाना जिंदगी का, पहली याद. 15 साल से एक्टिंग कर रही है, देखो जरा. हम सबसे सीनियर. हाँ. और तुम्हारी अम्मा ने किस उसमें स्पेशलाइज किया हुआ है, लाइक कौन सी डॉक्टर है? ये सारे उठाने थे कि एक एक उठाना है बहन. अम्मी किस चीज की डॉक्टर है? चिकन ब्रेड. अम्मी गायनेकोलॉजिस्ट. ओह सही है, ठीक है. चलो भाई, ये क्या है, दिखाओ जरा क्या है. चिकन कढ़ाई. इसकी क्या याद है भाई? सो जब मैं अमेरिका गई थी पहली दफ़ा पढ़ने के लिए, वेस्ट वर्जीनिया में, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान नहीं पाए जाते, पाकिस्तानी तो बहुत ही कम है. अच्छा. आई थिंक मैं और एक और स्टूडेंट ही होंगे बस. तो इंटरनेशनल फेस्टिवल था फेयर, जिसमें सब लोगों को अपने मुल्क की कोई डिश बनानी थी. अच्छा. सो आई डिसाइडेड कि मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी. अच्छा. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो हलाल खाती हूँ. हाँ. और मुझे भी खानी है जो मैं बनाऊँगी. हाँ. सबको मैं हलाल बना के खिलाऊँ. हाँ. लेकिन वहाँ पे आसपास कोई हलाल वाला सिस्टम नहीं था. अच्छा. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा एक जो क्लास फेलो था, ही टुक मी टू हिज फार्म, बिकॉज वेस्ट वर्जीनिया इज ऑल फार्मी एंड दैट काइंड ऑफ प्लेस. तो मुझे वहाँ लेकर गया और उसके पास मुर्गियाँ थी बड़ी बड़ी. तो उसने कहा कि अब इसके साथ जो करना कर लो. मैंने मौलवी साहब को कॉल की, कहना है ज़िबा करना है मुझे. Yes. बताएं कैसे करते हैं. उन्होंने मुझे बताया एक दुआ होती है. अच्छा. वो पढ़नी होती है छुरी रखने से पहले और सारा कुछ. तो मैंने खुद ज़िबा की जिंदगी में पहली दफा दो बड़े बड़े मुर्गे. मुर्गे बड़े. यार इस ईद पे आप क्या कर रही हैं? आपका क्या प्लान है इस ईद पे यार? 7 बजे नहीं, वो एक्सपीरियंस इनफ था मेरे लिए. जब मैंने वो बनाई, जो आगे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब वो मैंने बनाई तो अम्मा से पूछ पूछ के फोन पर बना मैंने ली. लेकिन मुझे जब लोग खा रहे थे तो वो तोड़ रहे हैं और देर लाइक स्ट्रगलिंग हार्ड एंड आई रियलाइज इट वाज अ देसी कुकड़ी एंड इट नीडेड मोर टाइम बट देर लाइक वो इट्स अमेजिंग यम्मी गुड स्पाइसेस वर गुड बट देर लाइक यू नो एवरीवन गोरा एंड एवरीवन वाज लाइक डूइंग इट. सो दैट वाज आई थिंक चिकन कढ़ाई का की याद जो हमेशा रहेगी. इट्स अमेजिंग एंड छटाक लिटरली इट इज. जी हाँ, ठीक है. मेजर फॉर मेजर. मेजर फॉर. अच्छा, थिएटर का कोई सीन है? शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर. हाँ, शेक्सपियर का ये एक प्ले है जिसकी जजा सजा के नाम से ट्रांसलेशन पे हम खेल कर रहे थे. 2016 में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था. अच्छा. तो उस टाइम पे मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, मतलब आई वाज नॉट इन द मूड. मैं बिल्कुल बहुत डिसहार्ट हो गया था, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आई हैड टू बी विद माई फैमिली. इसलिए 15 दिन शो से बचे हुए थे और मुझे खालिद अहमद साहब की तरफ से मैसेज आता है कि अदनान आए. मैं सबको मना कर चुका था कि मैं नहीं आ रहा हूँ. खालिद साहब ने मुझे बुला लिया. अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस वजह से बुलाया है, उनको किसी ने बताया था कि मैं उससे गुजर रहा हूँ या क्या था कुछ, आई डोंट नो. मैं आया, उन्होंने मुझसे प्ले रीड कराया और फिर मुझे बोला कि आप एंजेलो प्ले करेंगे. एंजेलो इज टेक्निकली द मेन कैरेक्टर. ओके. आप एंजेलो प्ले करेंगे. मैं कहा सर 15 दिन है. हाँ. दिन आई बिलीव इन यू, तुम कर लोगे. हाँ. तो उस 15 दिन के बाद मैंने शो किया. हाँ. वो लाइट्स ऑन हुई और मैं ब्लैंक हो गया.
और फिर मैंने सोचा आज आर है या पार है, और उसके बाद मैंने शो किया और उस पर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला उस शो पे। और फिर वो मतलब जो यूफोरिया था, वो तालियां, उस टाइम पे मतलब भूल जाना, अपने आप को किरदार में जीना, तो फिर मैंने सोचा था ये काम छोड़ नहीं सकता मैं, चाहे जो भी कर लूं मेरे खून में नहीं छोड़ सकता। निकाला ना उस कर्फिक पेरेंट्स का तो दुख ऐसा है जो आपके जिंदगी के साथ रहता है। मेरी अम्मी को भी जब आई लॉस्ट माई मदर, और एक हफ्ते बाद मैं यहाँ शो कर रही थी और मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं जिक्र नहीं करूँगी अम्मी का, क्योंकि अगर मैं सबके पेरेंट्स का इस तरह जिक्र करती हूँ, क्योंकि फिर आपसे नहीं होता काम, वो ये एक ऐसा है कोई भर ही नहीं सकता ये गम। बिल्कुल। मगर आपको हेल्प आउट किया आपके क्राफ्ट। मैं खालिद अहमद साहब की मतलब एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। उस स्टेट ऑफ माइंड से मैं निकला और फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों करता था ये काम। हाँ। और फिर मतलब फिर दोबारा फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया था। मैंने अम्मा से कहा था कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तो मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ। तो उन्होंने फिर इजाज़त दे दी थी। फिर मैंने ये चूंकि नेपा के सेकंड ईयर में था, उसके बाद फिर मैंने 1.5 साल नेपा पूरा किया। फिर जो बंदे को पसंद है ना चीज़, उसमें वो एक्सेल करता है, ये वाली बात तो तय है। आप लोगों को जो चीज़ दिल से पसंद है, चाहे आपको आपके पेरेंट्स को जो भी कह के पढ़ा दे, और वो बेचारे वो गलत नहीं होते, वो कह रहे थे हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि आते बहुत लोग हैं इस फील्ड में लेकिन कुछ लोग कामयाब होते हैं, और लक भी बहुत मैटर करती है। आपकी सारा मेहनत और एजुकेशन एक तरफ होती है, लक भी बहुत मेहनत करती है, उसके लिए भी दुआ गो रहना चाहिए। आइए जी सुजा। सुजा जैसा लकी नहीं होता हर कोई, इश्तिहार मिला, ड्रामा मिल गया, वाह वाह स्टार बन गया। हां मां बन भी कहा जा सिमरन जी ले अपनी हॉस्टल की याद। हॉस्टल की याद। आई थिंक आई वाज 7 जब मामा ने हॉस्टल में डाल दिया था। तंग करने वाला बच्चा था। मैं तंग करने वाला बहुत। मैं अपने बच्चों को यही ब्लैकमेल करती हूं। तंग किया था हॉस्टल में डाल दिया। मेरी मामा ने तो ब्लैकमेल किया ही नहीं, उन्होंने कहा बेटा डायरेक्ट बस नहीं कहो। मैं बेटा जाओ तो सारे जमीन पर। जी जी पूरा पूरा। मैं आज तक उन्हें वो गाना भी सुनाता हूं उसको। ये देखिए गाना सुने और रोए आप अपने बेटे को। सो 7 साल का था, हॉस्टल में डाल दिया था। तो जब हमारे उधर हॉस्टल में एक पतला सा दरख्त था। हाँ। और ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा पहली बार अपनी मम्मा को जाते हुए देख रहा है कि माँ जा रही है मुझे छोड़ के, समझ तो आ गई है। हाँ। कि कुछ गलत हो रहा है। तो जो वहाँ पे एक दो गार्ड थे वो मुझे पकड़ के अंदर रूम में लेके जा रहे थे बाकी। हाँ। बच्चों के पास। हाँ। तो मैंने कहा, मैं तो बहुत रो रहा था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। और मैं चीख रहा था कि मम्मा मम्मा। तो सामने वो जो दरख्त था ना, मैंने वो दरख्त पकड़ लिया और मैं छोड़ के ना दूँ। तो उन्होंने क्या किया, दे ग्रैब माय लेग्स एंड उन्होंने ऐसे उठाते 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 ना, मैं हवा में था। Wow. और मेरे जो दोनों हाथ She really wanted to get rid of you. Really not my mom, the guards. Okay, they picked me. Okay, your guard. Okay, I thought it's mom. I'm like, no, no, no. Mama तो was walking away. कितना नाक में से दम किया होगा। हाँ, तो मैं कहता था नहीं मैं इधर ही जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो मेरी टांगे हवा में थी और मैंने ऊपर तो सारे बच्चे जो है ना, कोई 200-300 बच्चा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई थिएटर प्ले चल रहा। वो थिएटर नहीं, मुझे एक बात तो तुम बताओ भाई, ये 7 साल की एज से कब तक तुम हॉस्टल में रहे? मैं 3 साल रहा। मैं 3 साल रहा। कुछ कस जो थे वो जो स्क्रूज थे जी जी वो सब टाइट हो गए? नहीं नहीं, वो और ढीट हो गया, मैं वो और उल्टा हो गया। अरे यार ये तो सही है, अब मैं ये ब्लैकमेलिंग नहीं करूंगी, कुछ और करूंगी जी। क्योंकि मुझे क्या करते थे ऐसे जो अम्मा ने उधर भेज? मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव बच्चा था, हर वक्त चीजें तोड़ना, भागना दौड़ना बहुत ज्यादा, क्योंकि बहन भाई भी कम है, अगर 9 वो होते तो डाले बंदा हॉस्टल में। हां नहीं, लेकिन हम लोग में मैं वाहिद बच्चा था जो बड़ा चीजें तोड़ देते थे। हां बहुत ज्यादा, मेहमान आए उनके ऊपर चीजें फेंक देते। असल में ना मैं वो वाला बच्चा था कि वो अब जैसे मेहमान आ गए तो वियर्ड सा, मैं ज्यादा कोई क्यूट भी नहीं था दिखने में, सही था तो वो देखो क्यूटनेस का कोई ताल्लुक नहीं हॉस्टल में डालने से। नहीं वो बस उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, तुम जरा रहो, रह के आओ वहाँ पे और तुम्हें पता चले क्या होता है जिंदगी। तुम्हें बस वो 3 साल की पनिशमेंट। दिखाओ जरा इसकी बचपन की तस्वीर दिखाना। कुछ लड़कियां छुपाती हैं, यहाँ आप मुछ वाली तस्वीर नहीं दिखाएंगे, यहाँ ये लड़का छुपा रहा है। ये याद है इसकी। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आइए इनके खजानों से आपको वाकिफ कराती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात मेरे शो पे हुई है जी अदनान से, जो आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में अलग अलग नामों के थ्रू नज़र आए हैं, शुजा से जिनको आप अभी ऑन स्क्रीन ARY की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और नईमा से भी जो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आ रही है, और अभी ऑन एयर है फ्रॉड में ही दोनों नज़र आ रहे हैं, और तुम्हारे नामे का नाम मैं भूल जाती हूँ, प्यार दीवानगी है, लंबा नाम है ना।
सो वो ये तीनों अभी इस वक्त आपको ARY स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और आप अभी सुबह देखकर आप कह रहे होंगे ओ ये तो वो वाला कैरेक्टर कर रहे हैं, ओ ये तो वो वाला कैरेक्टर कर रहे हैं. सो इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला. जो अभी राज बेचारे की दो दुख भरी दास्तान आपने सुनी, सुजा की 7 साल पुराना जुल्म जो 7 साल की उम्र में दरख्त की दास्तान. अब मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास पहुंच गई हूँ. क्या राज है और क्या खजाना है तुम्हारे पास? ये क्या है? टीचर की एक्टिंग. टीचर की एक्टिंग? मैं छोटी थी बचपन से ही, जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिंग का शौक था और मैं मिमिक करती थी टीचर्स को, सबको बहुत ज़्यादा. तो एक दिन मैं मिमिक कर रही थी अपनी टीचर को स्कूल में, क्लासरूम में, और सब बैठे होके बैठ के सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट से देखते थे. एंड आई एम डूइंग इट एंड दे लाफिंग, हंस रहे हैं पागलों की तरह. और थोड़ी देर बाद अंदाज़ा होता है कि टीचर वो पीछे ही खड़ी हैं. शी एंटर्ड एंड आई वाज लाइक ओके. And I was so embarrassed and I was like, madam, ऐसा नहीं है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और please, और मुझे फेल ना कीजिएगा, you know, इस किस्म की बातें. So नहीं नहीं, but she said to me, you did so good, farewell पे यही करोगी तुम? I'm like, okay, thank you. And then I performed it and that from that day till now I'm connected with her. Okay. And, you know, so yeah. Oh, she messages me अब. मुझे पता था, मैंने देखा तुम्हारा ड्रामा, तुम बहुत अच्छे. बट वो कॉमेडी थी. आई लव कॉमेडी. आई हैव एक्चुअली, मुझे कॉमेडी में ही अवार्ड्स मिली हैं थिएटर में ज्यादा. अच्छा. तो अभी तक मैंने किया नहीं स्क्रीन पे, बट आई जस्ट it was a great experience. Oh, great memory. Comedy the timing mangti aapki thak thak thak. Kis waqt kaise deliver karna hai jumla comedy. Mujhe bhi bahut maza aata hai comedy. Ha comedy bahut mushkil hai na, bahut mushkil hai bhai. Meri favorite. आपकी फेवरेट है? अभी तक आपने कोई कॉमेडी नहीं की है? ऐदे वफा में वो प्रोजेक्ट मुझसे मिस हुआ है ना इसलिए. अच्छा, तो मतलब लाइक आपने इब्तिदा ही कॉमेडी कॉमेडी से की थी और फिर आपने अपना अलग रूप भी दिखा दिया. सीरियस भी बन गए, विलन भी बन गए, दुखी भी बन गए. ये रो रहा होता है, मुझे भी रोना आ रहा होता है. मतलब कभी आपको प्यार में डूबे हुए या प्यार में दिल टूटा हो तो लड़के पे तरस नहीं आता, लड़की पे तो आ ही रहा होता है. पहली दफा मुझे इस बंदे पे तरस. Good. Okay, भाई, क्या है आपका अगला खजाना? अरे 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 कहाँ गए? अरे भाई, पूरी निकाल लो भाई, इतनी मुश्किल में फंस गए. ये क्या? अब आप 3 में से मतलब 100 में से 3 मार्क्स. ये सब्जेक्ट कौन सा था भाई? केमिस्ट्री. मैं मेरे भाई मेरे भाई मैं 23 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से. बहुत ज्यादा हैं. बहुत ज्यादा. पासिंग के, पासिंग मार्क्स. मुझे आपकी तकलीफ महसूस हो रही है. मैं आपकी तकलीफ सच्चे दिल से महसूस कर सकती हूँ. हाँ भाई, अब इसका क्या सीन है, क्या कहानी है? मैं क्लास में था. हाँ. हमारी मैम आती हैं टेस्ट. हाँ. और वो स्कूल टेस्ट हो रहे थे. अच्छा. तो वो आती हैं और उन्होंने ऐसे देखे, अदनान समद खान, इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर किया. मैं चौड़ा हूँ, पर्सनल बेस्ट आया इस बार 3 out of 100. वो पर्सनल बेस्ट था मेरा. ओह माय गॉड, बेस्टी है यार. तो क्या किया था? क्या छोड़ा, गलत फार्मूला लिख के आ गए क्या? फार्मूला 1 कर दिया था क्या? किया था केमिस्ट्री में पढ़ता नहीं था मैं, स्कूल में थिएटर वगैरह कुछ भी करता रहता था और मैं मोस्टली केमिस्ट्री क्लास ही बंक करता था क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था. हां यार, मुझे भी बड़ा बोरिंग. पता नहीं किसको अच्छा कौन करता है इसमें मास्टर्स, अल्लाह रहम करे. लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में मैंने इसमें से 56 आउट ऑफ 60 स्कोर किया था. हां, बोर्ड के एग्जाम्स में. तो मुझे बाकायदा ऑफिस में बुलाया गया था और केस स्टडी किया गया था ना मेरे ऊपर बाकायदा बैठा के. कहां थे? नहीं ये नहीं पूछूंगा कैसे. हाँ, कैसे 3 मार्क्स भी कैसे आ गए? नहीं 56 कैसे आए? बोर्ड में पास हो गया. आई होंगे यू लाइक आई एम स्टक देयर कि 3 मार्क्स कैसे आ गए. और वो पर्सनल बेस्ट था भाई, इससे पहले कम आते रहे थे. ओके. अच्छा, केस स्टडी किया गया था. बाकायदा मुझसे पूछा गया था, हमारे और कमजोर स्टूडेंट हैं, बताएं क्या किया था आपने. क्या किया था मुझे भी बताएं जरा. मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज सीक्रेट्स. यार मैंने तो रिवील कर दिया था. मैंने, मेरी बहन पीछे बैठी थी मेरे साथ, एक ही क्लास में थे हम. तो बोर्ड के पेपर में मैंने कॉपी एक्सचेंज कर ली. मैंने कहा सुनो प्यारी बहन, तुम्हें बचपन की टॉफियों का वास्ता है, जो तुम्हें मैंने खिलाई हैं या तुमसे छीनी है. हमने कॉपी एक्सचेंज कर ली थी.
तो पास हो गई मैं, इसलिए मैं भी इसी तरह। तो मैंने तो अपना राज फाश कर दिया, आज तुम भी बता दो भाई। पता नहीं कैसे हो गया, नहीं कैसे नहीं, वो नहीं बताएगा, वो माँ की दुआओं का असर है। रिवील जिसी का माँ की दुआओं का असर है। आओ भाई जी, तुमने भी किसी माँ में जीरो या थ्री लिए? मैं लेते ही आया हूँ ना, उसके अलावा कभी कुछ किया होता तो जिंदगी में चल रहा है उसके साथ। I had really good grades by the way. Being an actor, actors की थोड़ी डॉक्टर की बेटी हो, थोड़ी इज्जत तो रखनी थी ना माँ बाप की। वो परेशान होते थे, ये करती पढ़ती तो है नहीं, मार्क्स कैसे आ जाते। ये क्या है? ओए ये भी बड़ी अच्छी, नीलम से पहली मुलाकात। हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भी। आज से I'm 27. आज से 10 साल पहले when I was 17-18 जब मैं था, तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक मॉर्निंग शो है तो किसी और चैनल के लिए, सनम मैम होती, सनम बलोच, वो कोई होस्ट करती थी शो। उन्होंने कहा कि चलना है तुम्हें देखने, एक्सपीरियंस करो। तो मैं चला गया वहाँ पे, वो नीलम मैम आई हुई थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब वो पूरा हो गया, शो वगैरह हो गया, तो एंड में मैं, मेरी बहन और मेरा एक दोस्त, हम लोग कैमरा लेके खड़े थे कि हम पिक्चर्स लेंगे। तो मैं गया, मैंने कहा जाके उनको बुला के आता हूँ। तो मैं उनके पास गए ना, उनको इतने लोगों ने, फैंस ने घेरा हुआ था कि मैं इतना अपसेट हो गया। मैंने कहा यार कहाँ अभी इनके साथ पिक्चर मिलेगी। तो मैं मुड़ते हुए आ रहा था तो एकदम से मेरी बहन ने कहा कि अरे वो आ रही है जल्दी से पिक्चर ले लेते। तो वो आ रही थी एंड मेरी बहन ने रोका, उन्होंने कहा प्लीज कैन यू टेक अ पिक्चर विद अस। तो नीलम ने, हम तीनों के साथ पिक्चर ली। है वो पिक्चर? वो पिक्चर नहीं है ना वो, अरे यार मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ ये कि जिस लैपटॉप पे, तो वो लैपटॉप उड़ गया और जो फेसबुक आईडी में थी मेरी, वो आईडी डीएक्टिवेट हो गई, बहुत पुरानी थी वो, उसका वो पासवर्ड खो गया, वो खुद ही डीएक्टिवेट हो गई। वो तुम पुराने वाले थे जो अम्मी अब्बू कहते थे कि किस पे चला गया? हाँ फेसबुक जब नया नया। नहीं नहीं तुम्हारी शक्ल वो पुरानी वाली थी। मेरे दांत बहुत खराब थे तो, और मोटा भी था तो फिर वजन जिम किया जी थोड़ा सा। जिम जिम करना जरूरी है, सुन रहे हो मेरे बच्चे, मेरे बेटा, जिम करना जरूरी है, उससे आप अपने आप को भाई चेंज कर सकते हैं। दांत बहुत ज्यादा खराब थे, दांत सही करवाए, स्माइल नहीं कर सकता था, तो दांत बहुत टेढ़े मेरे। तो ये तुमने नकली दांत लगाए? नहीं नहीं नहीं, वो रिटेनर्स लगे, दो साल लगे इनको पूरा फिक्स होने में, मेरे चार दांत निकाले गए थे। हाँ। तो दो साल लगे पूरा ये रिकवर हुए। वरना आज ये भी अंचर पंचर सही करा के आया। जी जी जी, मतलब तोड़ ताड़ के अपने आप को, मैंने कहा कि आज हमें ओके। और जिम किया? और जिम किया, डाइट कंट्रोल की। जी जी जी। सो फैमिली टेंडेंसी है मोटापे वाली? हां जी। मुझे लगता तो है ऐसा। अरे यार बस प्रशांत सारी सही कहती है, पैसा आता है घास फूस पे चले जाते हो। वैसे ही खाने का शौक इतना ज्यादा। अरे बाप रे, अब भूल जाओ, अब तो वो भूल जाओ, मार दो ना दिल, अब तो एक्टर बनना, हीरो बनना। और क्या, और क्या। तुम लोगों में से किसको अपना दिल मारना पड़ता है, किसके अंदर टेंडेंसी है मोटापे वाली? तुम्हारे अंदर भी? मैंने लूज किया है अभी। कैसे? 22 kg। कैसे, क्या किया? नमक छोड़ दिया बिल्कुल। और ये समीना पीरज़ादा की बहन है। अच्छा। उन्होंने भी नमक छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी, जीना छोड़ दिया, वक्त बदल गया, जिस बात पलट गई। नहीं नमक इज लाइक वो वाटर रिटेंशन होती है उससे, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुमने 20 केजी लूज किया कितने दिनों में? कितने? ऑलमोस्ट 6 months। 6 months बहुत जल्दी किया, वीकनेस भी होगी मुझे उसके बाद, सो आई वुडंट रिकमेंड। बट ये है क्योंकि मेरा प्ले था, क्योंकि मैं जब पहली दफ़ा मेरी मीटिंग हुई थी ड्रामा जो मैंने किया था, उसमें उन्होंने ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा वाओ यू आर सच अ गुड एक्टर, बट अभी इस हाल में आपको भाभी के रोल मिलेंगे। अरे यू आर सच अ गुड एक्टर, हाँ अगर आप वेट लूज कर लें तो वादा है कि ये ड्रामा आपका हुआ। मोटिवेशन मिल गई। आई डिड इट। आप लोग रिश्ते के लिए करती हैं, इसने एक्टिंग के लिए किया। और फिर वो ड्रामा भी कर लिया, सो यू नो ग्रेट, इट ऑलवेज पेज ऑफ। हाँ मोटिवेशन चाहिए इसलिए तो जरूरी। तुम्हारा क्या, तुमने बता दिया अपना? बताओ ना फिर, हम तो ऐसे गप्पों में लग गए। हाँ खजाना खजाना निकालो भाई। कौन सा है? अच्छा तुम तीनों की बड़ी मजे मजे की कहानियां, मैं इसलिए इतनी हैरान हो रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबकी मजे की कहानी। क्या है? This is so cute, ये मैं घर लेके जाना चाहती हूँ। क्या है? ये मैं हूँ।
बचपन में तो तुम्हारी टांगों के गायब होने का कुछ सीन है क्या? ये एक्चुअली स्लीप वॉकिंग के बारे में है। बचपन में अभी भी कभी कभी हो जाता है, नींद में चलती थी मैं। और हम लोग खानसपुर गए हुए थे एक दफ़ा फैमिली के साथ, एंड माय मदर वो बाहर बारिश सी हो रही थी तो वो उठी रात को लेट, उन्होंने देखा मैं बेड पे नहीं हूँ। और तुम कितनी छोटी थी? बहुत छोटी थी मैं। अच्छा, I don't know. वही 7 साल की होगी तुम उसी? नहीं, निकाल दिया कमरे से निकाल दिया। नहीं, so what happened was she was looking for me, बाहर जाके देखा हर जगह और मैं मिली नहीं रही हूँ, और सब परेशान और कॉल्स कर रहे हैं और फादर उठ गए हैं और पता नहीं क्या हो गया है, होटल मैनेजमेंट को बुला लिया एंड एवरीथिंग, एंड देयर लाइक कहाँ है कहाँ है। तो ऐसे ही किसी मेरी बहन ने देखा तो मैं बेड के नीचे सोई हुई। So you know this used to happen. कभी कभी मैं उठ के जाके बाल ब्रश करती थी रात को, जाके आ जाती थी वापस, you know, इस किस्म की चीजें, जब पूरी पूरी बातें कर रही हूँ किसी को पता नहीं, sleep walking, you know. फिर कैसे सही हुई यार? Meditation really helped me. A lot of meditation. That helped me. बहुत सारे लोगों में होता है। न्यूयॉर्क में मैं अकेली थी तो वहाँ पे ये है कि डेंजरस था। वही तो कब रोड पे निकल गई चलते हुए। So I had to learn it. Great. To calm my mind. अब तो नहीं करती ना? नहीं, अब थोड़ा कभी स्क्रिप्ट याद कर रही होती हो, बोल रही होती है। यस, ये होता है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये शानू के कैरेक्टर में बहावलपुर में हम डेजर्ट में थे तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे मैं मेरे साथ जो रूममेट थी मैं उनसे बातें कर रही हूँ, शानू के डायलॉग बोल रही हूँ। यार सो जाओ, सुबह 7 बजे उठना है, यू नो। सो ये होता है जब आपको आई थिंक अ लॉट ऑफ यूर वर्किंग अ लॉट एंड यूर इन टू द कैरेक्टर, इंटेंस सीन किए हैं। मैं सोते में हंसती हूँ। मैं बोलता हूँ। बोलते हो? सबके साथ है भाई, मेरे तो चलता है सोते में। मैं बैठ के सोता हूँ। बैठ के सोता हूँ, वाह। इसका सबसे अलग होता है, कसम से ही अलग। यही रीजन थी कि पेरेंट्स का वी कांट। हाँ, वो मैं ऐसे बैठ के सो रहा था। अच्छा, वो मम्मा देखे तो वो फिर पकड़ के ना रिटर करके पीछे वापस मुझे लिटा देती। यही ब्लेसिंग है। मेरे अब्बू खड़े खड़े सो जाते हैं, उनको जहाँ मौका मिलता है वो खड़े खड़े। मम्मा कहेंगे तुम पैदा होने वाली थी लेबर रूम के बाहर, और वो खड़े खड़े सो गए, थके हुए थे। मैंने कहा वाह यार, ये तो ब्लेसिंग है। हाँ भाई, जबरदस्त। तुम इसका मतलब बैठ जा, तुम्हें मौका मिलता होगा बैठ के सोने के लिए। इसीलिए अच्छी है इसकी ना। हाँ, ये बैठ के सो जाए, ये सेट पे सो जाता होगा, सेट पे सोलो हो रहे होंगे किसी, हो गया ये सो रहा होगा। नाइस। ओके भाई, बताएं अपने खजाने की अगली बात। जोकर की क्या कहानी है? जोकर की कहानी तो डॉनी जोकर बना दिया लोगों ने तस्वीर में। कोई नहीं, खतरनाक जोकर जो बच्चों को अगवा करता है। मैं जिस अदाकारी के लिए अपने अब्बा को मना रहा था, अब्बा नहीं मान रहे थे। अच्छा, सब मान गए थे, अब्बा नहीं मान रहे। ओके, तो एक दिन अब्बा और मैं बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। हाँ, तो पंजाबी स्टेज ड्रामा जो जुगत थिएटर होता है। अच्छा, ये आया तो अब्बा ने बड़ा ही ना उसके अंदर डेरोगेटरी अंदाज में, यार तू ये करना चाहता है? फिर तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब्बा को जैसे मैं थिएटर बोलता था तो अब्बा समझते थे कि ये किसका बोल रहा है। इट्स अ स्टोरी, यस, हिलेरियस। मैंने अब्बा से रिमोट मांगा, मैं जस्ट 2 चैनल आगे गया। हाँ, उस पर डार्क नाइट प्ले हो रही थी। हाँ, उसमें जोकर का सीन आ रहा था। ओके, वैसे तो फिल्म इज ऑसम, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो मैंने अब्बा से कहा, मैंने कहा यार ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा यहाँ तक जाओगे? मैं कोशिश करूँगा। रोज कोई ना कोई वायरल होती है हम तो इम्यून हो गए। मैं वो लड़की होती थी, मैं कहती थी प्लीज यार, वैसे प्लीज मेरा कोई ना कोई भी तस्वीर जो है ना अपने पेज पे मत लगाना, मैं वो लड़की होती। इम्यून, कोई मसला नहीं है, वाटरप्रूफ। या वाटरप्रूफ। थैंक यू सो मच। और मैं तुम लोगों को भी यही कहूँगी कि किसी चीज़ से डरना नहीं कभी, एक्सेल करना, आगे जाना, सीखते रहोगे हमेशा, सीखोगे, बस टाइम का ख्याल करना
क्योंकि नए बच्चे बहुत लेट आते हैं और पुराने जितने भी एक्टर्स हैं वो यहाँ आके शिकवे करते हैं थोड़ा कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं नए बच्चे, लेकिन कुछ नए बच्चे, हर कोई नहीं, कुछ नए बच्चे टाइम का ख्याल नहीं करते और उसकी वजह से फिर वो जो सीनियर एक्टर्स हैं जिनके अंदर अब पेशेंस भी कम होता जा रहा है उम्र की वजह से, फिर वो थोड़ा सा कुछ पुराने भी वैसे करते हैं बिल्कुल, हाँ, तो आते ही नहीं सेट पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, शाम तक रात तक बिल्कुल सही कह रही हो। सो ये अगर ये पंक्चुअलिटी वाला सीन है ना, ये हो जाए तो बहुत बेहतर सबके लिए हो जाए। कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउसेज भी बहुत डिले करते हैं, उनको लोकेशन नहीं मिलती है वो, सो वो ये मैटर करता है आपको, टीम टू टीम मैटर। थैंक यू सो मच आप तीनों का, मेरी दिल से दुआएं आप तीनों के लिए, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह ताला आपको बहुत नाम दे और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वही आपकी मंजिल। थैंक यू सो मच निदा, लवली, थैंक यू। फिर प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा अभी, खबर स्विच किया। हाँ मैं आ रही हूँ वापस एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए मिलवाती हूँ मैं आपको, ये किसी ड्रामे में काम नहीं करती लेकिन आपको बहुत सारे ड्रामों से बचा लेती हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, क्योंकि घर में ड्रामे हो जाते ना, तुम अपना ख्याल नहीं रखती, तुम्हारे बाल ऐसे हो गए हैं वो। सो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं अपने प्रोडक्ट्स नेचुरलाइज के साथ, और आज ये बताएंगी कि मुझे तो ना लालच होती है डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बताने वाली हैं आज नेचुरलाइज के बारे में? चले, आपने डिस्काउंट का जिक्र किया तो 15% ऑफ है 2 दिन के लिए। ये वो तो मुझे तो अपने फैंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए यही लालच होती है जी। मैं क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे सन ब्लॉक की, जो कि कितना जरूरी है। बिल्कुल, और नेचुरलाइज का जो सन ब्लॉक है वो जो है बच्चे भी लगा सकते अच्छा। हैं बिल्कुल, और जैसे होते हैं ना सन ब्लॉक का एक होता है कि चिपचिपापन है, तो ऐसा हमारे सन ब्लॉक में बिल्कुल नहीं। भी नहीं है। हाँ। अगर मैं थोड़ा सा भी लेके आपको बताऊं हाँ। तो ये जज्ब हो जाता है, बिल्कुल जज्ब हो जाता है और आराम से बच्चे भी लगा सकते हैं। अब SPF की अगर हम बात करें तो ये 30 SPF है, लेकिन आप इसको जैसे सुबह उठ के मुंह धोने के बाद सबसे पहले आप सन ब्लॉक लगा लें। हाँ। आप जो है ना उसके ऊपर कोई भी अपना मेकअप या कोई भी सीरम आप यूज कर सकते हैं, और इचिंग भी नहीं हो रही लगाने कुछ भी नहीं, कुछ भी जैसे सन ब्लॉक लगते हैं तो आपको इचिंग होती है। आप ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, अगर मैं दोनों हाथ दिखाऊं तो इसमें शाइन आ गई, इसमें नहीं है ऐसा। 30 SPF ठीक है, और बच्चों को तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम खुद तो लगा लेते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। हाँ। सो ये बड़ा जरूरी पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए, मियाओं के लिए भी। बिल्कुल दोनों के लिए। आप सीरम्स भी बताएं ना जरा, ब्यूटी सीरम्स। अच्छा बिल्कुल, बात करते हैं कि आपने अब जो हमारे सीरम है एंटी एजिंग सीरम आप डे में लगा सकते हैं, फिर रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम जो है आप रात में लगा सकते हैं, जैसे आप डे एंड नाइट की आपकी रिजीम हो गई। अच्छा ये जो बोटॉक्स क्रीम है जी, रेटिनॉल एंड बोटॉक्स, रेटिनॉल एंड बोटॉक्स, यानी रेटिनॉल जो है वो तो झुर्रियां दूर करता है, बोटॉक्स जो है वो आपको एकदम एक टाइट फ्रेश लुक देता है जी। बिल्कुल, अगर आप 3 महीने तक ये वाला कोर्स कर लेंगे तो, और जो लोग जाते हैं एस्थेटिक क्लिनिक पे अपने एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। हाँ, ताकि वो ट्रीटमेंट जो है मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी है, और उसमें हमने जो है ना हाइड्रेटिंग का ख्याल रखा है। और अच्छा, जो आप भी चीजें सीरम जो है जी डे में लगा, ये डे में लगा लिए एंटी एजिंग सीरम, रिन्यूइंग सीरम, और जो बोटॉक्स वाली रेटिनॉल और बोटॉक्स क्रीम है जी वो रात में करें तो एक पूरा रिजीम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डे एंड नाइट का हो गया। अच्छा आप हमारा सनब्लॉक लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, इसका कोई धूप में जाने वाने का तो कोई मसला, कोई ममनू तो नहीं है जी? नहीं नहीं कोई ममनू नहीं। हाँ, जो नाइट क्रीम्स हैं या विटामिन सी है तो वो तो धूप में नहीं जा सकते, इसलिए वो। अब आ जाते हैं ग्लोइंग के लिए, यानी कि इन दोनों के फायदे ये हैं कि आप एकदम आपकी स्किन जवान लगे जी, है ना, इंशाल्लाह वक्त से पहले प्री मैच्योर एजिंग को रोकेगी। तो इसलिए जरूरी नहीं कि ये 25 इयर्स वाला नहीं लगा सकते, ये 60 इयर्स के लिए ऐसा नहीं, कुछ एरियाज में रिंकल्स बहुत वक्त से पहले आ जाते हैं, तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और झुर्रियों को खत्म करने में और एज स्पॉट्स को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा जी, अच्छा अब ग्लो एंड शाइन पर आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये है कि डे की रिजीम है कि आपने वाइटनिंग सीरम लगाना। अच्छा, अब ये जो ग्लो एंड शाइन है, आपको अगर स्किन पे ग्लो चाहिए, एक चमक चाहिए जी बिल्कुल, उसकी आप रिजीम बता रही हैं कि वो दिन में और रात की अलग अलग है जी बिल्कुल। दिन की क्या है? डे में आपने सीरम लगाना है ठीक है, और नाइट में आपने क्रीम लगाना है।
तो ये आपके क्या है नाम बताना, ग्लो एंड शाइन है, और व्हाइटनिंग इसका नाम ही ग्लो एंड शाइन है, इसका नाम ही है, इससे आपका ब्राइटनिंग होगा, इससे आपकी लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग होगी जी, स्किन व्हाइटनिंग, ठीक है। तो ये आ गई, ये एक अलग पैकेज आ गया जी, बिल्कुल। अब आ जाते हैं एक्नी पे, हाँ एक्नी जो है वैसे भी एग्रीवेट हो जाती है, लाइट्स इतनी जा रही है, स्किन आपकी जो है ना ख़राब हो जाती है, एक्नी आ जाती है या गर्मी दाने आ जाते हैं या एक्नी प्रोन स्किन होती है, तो खाने से भी तो आ जाते हैं जी, तो इसके लिए एंटी वो है एंटी एक्नी सीरम है जो आप डे में इस्तेमाल करेंगे, और वाइटामिन सी क्रीम है जो आप रात में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इससे ये होगा कि आपके एक्नी के जो निशानात हैं या घड़े जो बन रहे हैं उनको भी खत्म करने में, खत्म हो जाएंगे आपके जी, बिल्कुल आप आपके स्पॉट्स को खत्म करने में, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी मिनिमाइज करने में आपकी मदद होगी। ओके ओके, अच्छा जी आइए, अब ये क्या है? अच्छा हमने, हाँ जी, टर्मरिक एंड संदल स्क्रब, यानी कि हल्दी और संदल का, हमने शादियों का सीजन जी है, शादियों का सीजन है, और बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी, क्योंकि एलर्जी एग्रीवेट हो जाती है तो इसलिए वो मना करते हैं कि उपटन ना लगाए, तो ऐसे के लिए डेड स्किन को निकालने के लिए हमने नेचुरलाइज में बनाया संदल एंड टर्मरिक स्क्रब। ओके, यहाँ से ख्वाहिश पूरी कर लें भाई जी, बिल्कुल, फुल बॉडी पे भी कर सकते हैं, गर्दन पे भी कर सकते हैं, नकल्स पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा अगर शादियों का सीजन नहीं है, बच्चों की भी कोहनियाँ डार्क हो जाती है, गर्दन डार्क हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हार्म करेगी। इसका स्क्रब भी जो है वो बहुत, उसके ग्रेन्यूल्स बहुत माइल्ड है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में दो बार आप कर सकते हैं। अच्छा, एक्नी जिनको है वो कर सकते हैं कि नहीं? एक्नी वालों के लिए कूल क्ले मास्क है। अच्छा, नेचुरलाइज का कूल क्ले मास्क है, एक्नी में कभी भी स्क्रबिंग नहीं होती। ओके, तो वो ना करें तो बेहतर है, बेहतर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी और चीजें हैं, बालों की तरफ आ जाते हैं बल्कि जी, बालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरलाइज में, और हम कस्टमाइज भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। नेचुरलाइज की जो पहली प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो है हमारा जिंजर ऑयल है, और जिंजर ऑयल जो है उससे आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो फौरन गिरना रुक जाते हैं, आपके बालों की खुश्की को कंट्रोल करता है। जिंजर ऑयल के साथ आप फिर जिंजर शैम्पू ले सकते हैं, ठीक है, मगर आपके बाल अगर बहुत गुच्छों में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हमारा स्पेशल ऑयल है, उसके साथ आप बायोटीन शैम्पू यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अभी जो गर्मियां है ना, तो आप ज्यादा नहाते हैं, लोग तो दो दो दफा नहा लेते हैं, गर्मी हो रही है, पसीना, उसकी वजह से बाल फ्रिजी हो जाते हैं जी, जी। तो ये ऑयल जो है हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल हेल्प। अच्छा, कितनी देर के लिए लगाएं, जैसे दो घंटे? नेचुरलाइज की जो ऑयल्स हैं वो नेचुरल हैं, आप पूरे रात लगाना चाहें या दो घंटे लगाना चाहिए या आधा घंटे लगाना चाहें, आपने हॉट टॉवल कर लिया, आधा घंटा लगा लिया, तो आपको इसकी पूरी नरिशमेंट मिल जाती है, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा तेल ना लगाएं, और इतनी लाइट भी जा रही है, तो आप आधे एक घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद आप शैम्पू कर लें, आप देखेंगे कि आपका बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरना रुक जाएगा। गंदे वालों में भी ना लगाएं, ऑयल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मसला हो जाता है, बिल्कुल। और अगर आपका बाल बहुत ड्राई है, तो हमारे इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने थोड़ा सा तेल लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसको मिक्स करना है, लगाना है, ताकि पेनिट्रेट अच्छी तरह हो जाए। तो ये वाला जो है हमारा, ये भी जो हमारा स्पेशल ऑयल है, इसके आपने 7 से 8 कतरे पूरे बालों में लगाकर अच्छी तरीके से आपने उसको जज्ब कर लेना है, तो इससे आपके बाल अल्लाह के हुक्म से गिरना रुक जाते हैं। के साथ हमारे पास हेयर फिट भी है, फिर हम कस्टमाइज इंटरनल मेडिकेशंस भी देते हैं, ताकि आपको कोई मसला हो जिसकी वजह से बाल गिरे, थायराइड का मसला हो सकता है, एनेमिक हो सकते हैं, कोई भी लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि कॉज पता करना, उसके साथ दवा देना तो ज्यादा बेहतर होता है, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास कलर प्रोटेक्शन शैम्पू है, कि अगर आपके आप कलर करते हैं तो उसके लिए आप क्या करें। फिर हमारे पास आंवला शैम्पू है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, उसमें आंवला रीठा सिकाकाई का एक्सट्रैक्ट शामिल है, तो आप इसको आराम से, इसमें कोई हमारे नेचुरलाइज में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने केमिकल डाला हो। अच्छा, हमने प्लांट सोर्स ही डाला है, केमिकल ओवियस होते हैं लेकिन सारे प्लांट सोर्स हैं। ओके, सारे ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एलोवेरा जो है कंडीशनर भी है, सारी भी शामिल है। अच्छा, डिस्काउंट एक दफा रिपीट करें, आपने क्या कहा था अभी शुरू में सेगमेंट में, वो एक दफा दोबारा बताएं। जी बिल्कुल, मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे, नेचुरलाइज के जितने भी पेजेस है, सब पर जो है 15% ऑफ है 2 दिन के लिए।
15% ऑफ दो दिन के लिए नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स पर. ऑर्डर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे? आप नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं. नेचुरलाइज का जो पेज है उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. बिल्कुल, क्लिनिक से भी, जो पिंडी क्लिनिक है, लाहौर क्लिनिक है, कराची में जितने क्लिनिक है, सब जगह आप आएंगे, वॉक इन भी करेंगे या आप ऑर्डर भी करेंगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा. अच्छा, दो दिन के अपनी क्लिनिक्स के टाइम भी बता देना जरा, कहाँ कहाँ, कब कब, जी, कैसे, कैसे. गुलशन इकबाल में मैं बैठती हूँ मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक. डिफेंस में मैं बैठती हूँ 5 बजे से लेके 7 बजे तक मंडे टू थर्सडे. और फ्राइडे मेरा ऑफ होता है तो फिर मैं इस्लामाबाद में या लाहौर में क्लिनिक करती हूँ. देखिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच. सो भाई, डिस्काउंट अवेल करें. और इस वक्त आपको जिस भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है अपनी स्किन हेयर के लिए, उसको ज़रूर ऑर्डर प्लेस करें. थैंक यू सो मच. ये था आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और अपने मनपसंद एक्ट्रेस से मिलकर खुश हुए होंगे. सो इंतज़ार कीजिए कल तक का. मिलेंगे सुबह. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. USA,